अगर ये बन जाएगा तो ये पांडव मन से शून्य हो जाएगा, कोई दिया में कोई फूल में दिया देने नहीं रह जाएंगे, कोई इनको प्रिंटर देने के लिए कोई रहेगा नहीं। जा गिरा के साइया मार सके ना कोई, पाल ना बांका कर सके दुर्योग रही कोई। अगर कोई ठाकुर की शरण में आ जाए, भगवान जिनको रक्षा करते हैं दुनिया में, उनको कोई मार नहीं सकता है। इतने में ठाकुर जी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उन्हें गदा घुमा 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 करके ब्रह्मास्त्र को उन्हें निस्तेज कर उनको प्राण बचाया था। इसलिए जब श्री परीक्षित महाराज जन्म किए, चूंकि गर्भ में ठाकुर का दर्शन हुई थी, सबको वो परीक्षा कर रहे थे, हमारी कृष्ण कन्या को कहीं देखते हो, जिनको गर्भ में हमने दर्शन किया था, सबको वो परीक्षा कर रहे थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया परीक्षित नाम पड़ गया। बोले श्री परीक्षित महाराज की जय। पीछे कोई जय नहीं बोल रहे हो, कोई जय की है बोल दो, जोर से बोलो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए इनका नाम पड़ गया परीक्षित। कहते इन्होंने कृष्ण की परम भक्त है। अगर कोई भक्त तुम्हारी दरवाजा पर आए, कोई चीज भी मांगे, अगर मिलेगा नहीं तो क्या होगा? वो संत को चरण में तुम्हारी अपराध हो गया। इसलिए शास्त्र में 6 तरह का संत को चरण में अपराध की बात बताई। बोले हंति निंदंती वैदेष्टी वैष्णवा नाम ये अभिनंदंती क्रुद्धते जाति न हर्ष दर्शनीय पतनानि सन। बोले ये 6 व्यक्तियों का पतन होता है। अगर कोई वैष्णव को संतों को कोई अगर मारता है, दूसरा है अगर कोई निंदा करता है, अगर कोई विद्वेष करता है और उनको देख करके भी जो आदर नहीं करता है और वो आ रहे हैं उनको देख कर कोई जतन नहीं करे, अगर ऐसे करे तो कभी ये 6 व्यक्तियों का पतन होता है। इसलिए संतों को हर समय में आदर और जतन करनी चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में भगवान की निवास है। इसलिए परीक्षित महाराज आए, उनको आदर यहाँ तक पाठ तक भी नहीं थी। जब वो चले गए, मानो वैष्णव चरण में अपराध हुआ है। अगर किसी भक्त चरण में अपराध हो जाए ना, ये भक्ति से नीचे उतरना पड़ता है, भक्ति से गिरना पड़ता है, इसलिए इनकी आंख खुल गई। दूसरा कारण बताए, अभी ये 7 दिन अभी श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुनाएंगे, लेकिन कब सुनाएंगे? जब पता चले परीक्षित महाराज को ऋषि सिंह ने श्रृंगेरी से अभिशाप दिए, तब उन्हें घर छोड़ करके आएंगे। फिर तो संत लोग आएंगे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाएंगे, अगर पता नहीं चल तो घर कैसे त्याग देंगे? इसलिए मानव योग माया ने ये भागवत ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने इनकी आंख खुल गई। जब आंख खुल गई, देखा सामने बेटे को रोते हुए। बोले बेटा क्या बात, क्यों रो रहे हो? बोले ऐसे श्री परीक्षित महाराज हमारे आश्रम में आए थे। बोले परीक्षित महाराज आए थे? बोले हाँ। बोले उनको स्वागत किया कि नहीं? बोले स्वागत किया। आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल कर गए, आप पानी नहीं दिए? बोले खैर, बोले मैंने अभिशाप दी। बोले नालायक, तुमको पता है परीक्षित महाराज कौन है? ये परम कृष्ण भक्त हैं, उनकी वजह से हम निर्विघ्न रूप में भगवान की भजन साधन कर रहे हैं। इतने बड़े संत घर में आए, उनको तो पानी दिया ही नहीं, उल्टा तुमने अभिशाप दिया। मैं भी आज से ये ब्राह्मण समाज को मैं अभिशाप देता हूँ। ब्राह्मण का जो बाघ शक्ति समझते हो, ब्राह्मण पहले जो बोलते थे वो हो जाता था, लेकिन उन्होंने अभिशाप दे दिया, आज से ब्राह्मण का वाक्य में जो शक्ति वो खत्म हो जाएगी। इसलिए तभी से इनकी शक्ति खत्म हो गई, वाक्य में कोई शक्ति नहीं रह गई। और पहले ब्राह्मण लोग भजन भी करते थे, भक्ति करते थे। अभी कलयुग में ब्राह्मण तो भजन की बात छोड़ दो, उल्टा उल्टा गति गति चीज सब खाना भी शुरू कर दिया।
कलयुग में ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म से धीरे धीरे सबके सब चुप्त होते जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अभिशाप उन्होंने दे दिया। बोले भैया कम से कम परीक्षित महाराज को पता चले इनको पास में कुल 7 दिन है, इतना तो पता चले कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो उन्होंने एक गौरवमुख नाम के एक बालक को भेजा, जाओ परीक्षित महाराज को बोल दो सप्तम दिवस में तक्षक दर्शन करेगा। जब परीक्षित महाराज ये बात को सुने, अगर हमें कोई बोले 7 दिन में मर जाओ बताओ क्या करोगे, क्या करोगे, आधा ही तो मर जाएंगे, सुनो तक 7 दिन में मर जाएंगे, फिर क्या करेंगे, 7 दिन में जितने बढ़िया बढ़िया चीजें ना खा पी कर मर जाओ है, जितने बढ़िया बढ़िया खाओ घूमो और मर जाओ। लेकिन यहाँ परीक्षित महाराज देखो क्या सिखा देते हैं, तब उन्हें जब पता चला 7 दिन में शरीर छोड़ने वाले, उसी समय में ही उन्होंने अपना बेटे को राज सिंहासन में अभिषेक कर दिया और उन्हें सब छोड़ करके श्री गंगा किनारा में आश्रय लिया। ये गंगा भगवान के चरणा मिलता है, माना ठाकुर जी के चरणों को उन्होंने आश्रय ग्रहण किया। पहले टेलीफोन नहीं होता था, टेलीग्राफ नहीं होता था, लेकिन ऋषि मुनियों के पास में बड़े दिव्य ज्ञान हुआ करता था। पृथ्वी में जितने ऋषि मुनि लोग थे उनको पता चला अभी ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये भागवत कथा श्रवण कराएंगे, वहाँ पर 88,000 ऋषि एकत्रित होंगे। कितने ऋषि एकत्रित हुए, 88,000। तब श्री परीक्षित महाराज बोले मेरे ऊपर में अभिशाप नहीं, लगता है मेरे ऊपर में भगवान के वरदान है। जीवन में एक संतों का दर्शन हो जाए जीवन धन्य हो जाता है। आज देखो 88,000 ऋषि एकत्रित होंगे, मेरे कितने भाग्य है। तब उन्होंने प्रश्न करते हैं कल हो परसों हो नहीं तो परसों हो, सबको एक दिन मरना है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो बोल सकता मैं मरता नहीं, इस जगत में कोई है जो मरेगा नहीं। पर अद्यवा अवतर सतांतेवा मृत्यु पई प्राणी नाम ध्रुव, आज हो नहीं तो 100 साल को बाद में हो सबको मरना है। तब इसने बोले इसको पास में 7 दिन तुम 9 दिन के लिए बता रहे। इसने बोले भैया उनके पिताजी श्री भोले बाबा को उपासना करो। इसने बोले मृत्युंजय तमज को पाठ करो जिसको करने से मृत्यु से जीव पर पार चल जाए। बोले भैया वो उन्होंने चाहते नहीं है, अरे इनको पास में तो 7 दिन इनको पास में ज्यादा समय नहीं। जब ये लोग ऐसे तर्क वितर्क में लगे हुए थे, परीक्षित महाराज सोच रहे थे कहाँ बरसा जब उनके से सुखाए, समझ रहे हो, कहाँ बरसा जब किसी सुखाई, मेरे पास में कुल 7 दिन। अब ये लोग तो आपस में शास्त्रार्थ में लगे पड़े, मेरे एक एक मिनट भी मेरे लिए बड़े कीमती चीज है। इतने में मैंने भगवान को स्मरण किया, बोले ठाकुर जी आप ही मुझको मातृ गर्भ में दर्शन दिया था, मेरी एक ही इच्छा अंतिम समय में तुम्हारी कथा सुनते सुनते मेरे भक्ति करते करते जैसे अंतिम समय बीत जाए, आप इतना आशीर्वाद करो। जब हृदय से भगवान को स्मरण किया, स्मरण करते ही श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, बोले श्री सुखदेव महाराज की। यहाँ शिक्षा क्या देते हैं, देखो ध्यान देकर सुनो, शिक्षा है अगर सचमुच से हृदय से अगर भगवान को पुकार के ना ठाकुर एक दिन जरूर आवाज सुनेंगे, ठाकुर जी जरूर तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे ही ठाकुर जी, लेकिन केवल हृदय से उनको पुकारने का जरूरत है, हृदय से उनको पुकारने का जरूरत है। जब श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए बड़ी सुंदर कृष्ण जैसे देखने में, बड़े सुंदर घुंघराली फेस, क्या अपूर्व सुंदर है। जब श्री सुखदेव गोस्वामी जा रहे थे, स्त्रियां तो इनकी रूप देख देख करके निहाल रही थी,
क्या सुंदर है, लेकिन पर है तो सुंदर लेकिन थोड़ा पागल जैसे दिख रहा है। अब बच्चे लोग क्या कर रहे थे, इनके ऊपर में धूल झोंक रहे थे बच्चे लोग। जब इन्होंने 88,000 ऋषियों को बीच में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही जो सोनार होता है ना, वो सोने को ही पहचान सकता है। इनके शरीर में जो दिव्य लक्षण प्रकट हो रहा था, इसको देख करके समझ गए ये महाभागवत है। यही बच्चा ही वास्तव रूप में प्रश्न का उत्तर यही दे पाएगा। सबके सब खड़े होकर के इनको स्वागत किया। और इन्होंने भी इनके पिताजी के पिताजी के पिताजी बैठे हुए थे, तो इन्होंने सबको उन्होंने प्रणाम किया है। प्रणाम करते हुए उन्होंने सिंहासन पर बैठ गए। जब सिंहासन पर बैठ गए, परीक्षित महाराज ने प्रश्न की झड़ी लगा दी। बोले अतः पृछामि संसिद्धि योगिनां परम गुरु पुरुषस्य च कर्तव्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले हे प्रभु, आप कृपा करके बताओ। ध्यान देना सुना, इनका प्रश्न किया है, आप कृपा करके ये बात बताओ, जगत में ऐसे कौन सा चीज है जिसको पाने से जीव का हृदय भर जाए, इसके मन में कोई इच्छा ही नहीं रह जाए। लेकिन इसी दुनिया में देखो, भले ही जिसको जितने मिलने पर भी जगत में कोई प्रसन्न है। टाटा बिरला को पूछ लो, इतने पैसा तेरे पास में, अब क्या तुम खुश हो? वो सोचता होगा अंबानी कंपनी। अंबानी को पूछ लो, क्या तुम तृप्त हो? वो सोचता होगा नहीं, पृथ्वी का और सबसे बड़ा पैसा वाला कंपनी। इसलिए शास्त्र ने बताया, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरान अन्य सुख, चतुरान अन्य कहे सुख विष्णु के भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब दुख बिधारी, हरि भजन बिना सब दुख बिधारी। यहाँ पर कहते हैं केवल एक व्यक्ति जगत में तृप्त रहता है जिनको सचमुच भगवत प्रेम मिला। कल ध्रुव महाराज जी कथा सुन रहे थे ना, जब ध्रुव महाराज जी को ठाकुर जी दर्शन दिया, ठाकुर जी कहते हैं, देख ध्रुव, मैं ऐसे एक देवता हूँ, तो मेरे पास में जो कुछ मेरे पास में मांगोगे सब कुछ देने में मैं समर्थ, ऐसे मैं एक देवता हूँ, तू जी भर करके मांग ले। पर ध्रुव महाराज क्या बोले, बोले प्रभु, अगर कोई कांच की टुकड़ा ढूंढ रहा है, ढूंढते ढूंढते उसको पारस मणि मिल जाए, जगत में ऐसे कौन सा बेवकूफ होगा जो पारस मणि छोड़ करके कांच के टुकड़े को ग्रहण करेगा। बोले प्रभु, जिन चरण को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता ऋषि लोग तपस्या करते हैं, आज ऐसे भगवान के दर्शन हो गया, प्रभु मैं तृप्त हो गया हूँ, आपकी चरण की हमें भक्ति और चरण की हमें सेवा प्रदान करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए बोले तृप्तम अस्मि, तृप्त हो गया हूँ, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं। इसलिए इनके प्रश्न है, बोले आप कृपा करके ये बताओ कि क्या पाने पर जीव को जीवन में सब कुछ जीवन में मिल जाए, और पुरुष मात्र का कर्तव्य क्या, अकर्तव्य क्या, करनी क्या चाहिए और नहीं करनी क्या चाहिए, आप कृपा करके बताओ। ये प्रश्न सुन करके सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले परियान सत्य प्रश्न तुमने जो प्रश्न किए हो, ये प्रश्न बड़ा सुंदर प्रश्न है। अतः एक काम कर, रास्ते कुछ रास्ता छोड़ दो, जो आते हैं ना, ए बच्चा तू बैठ, बार बार खड़े बैठो। इसलिए इनके प्रश्न है, ये सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। बोले तुमने जो प्रश्न की है, बड़ा सुंदर प्रश्न किया, जो प्रश्न को आत्मबीत संगत पुंसा, बोले जो आत्मा पे जो रमण करने वाले, जो आत्म तत्व को जो जानने वाले व्यक्ति भी
तुम्हारी प्रश्न को प्रशंसा करेगी, बड़े सुंदर तुमने प्रश्न किया है। तब उन्होंने इसका उत्तर देते हैं, कहते उत्तर में क्या देते हैं, कहते कृद्रयार्यते नक्तम वेवायनाक्षवाभयम् दिवाच अर्थभयराज कुटुंब भरणवा। बोले हे परीक्षित, कि जो मानव शरीर भगवान दिए हैं, ये मानव शरीर साधारण जन्म ये नहीं है, ये मानव शरीर साधारण जन्म नहीं, ये मानव शरीर जीव को कब मिलता है, बोले 84,000 ब्रह्म के ये नरतन थे। कहते ये 84,000 जन्मों के बाद में एक बार ये मानव शरीर मिला, जिसको भगवान राम भी अयोध्या वासियों को समझाते हैं, क्या कहते हैं, बोले बड़े भाग मानो सतन पावा, बड़े भाग मानो सतन पावा, बड़े भाग मानो सतन स्वर्ग तो जा सकता है, लेकिन इस स्वर्ग में ऐसे कोई काम नहीं जो करके घर के मानव शरीर में मिल सकता है। स्वर्ग तो जा सकते हो, लेकिन वो स्वर्ग के बाद में नरक जाना पड़ेगा, ना पेड़ पौधा ना पशु पक्षी बनोगे, कोई गारंटी नहीं। इसलिए ये मानव शरीर ये तुमको दोबारा नहीं मिलेगा, वहां जाने पर भी दोबारा स्वर्ग तुमको मानव शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए ये मानव शरीर के लिए स्वर्ग के देवता लोग भी ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, बोले ठाकुर जी आप कृपा करके हमें भारत में मानव जन्म दो। कहाँ पर जन्म दो, भारत मतलब क्या है, भाव माता जी है बच्चा, वो तो बंगाल बंगाली प्रभु कहाँ गए, बंगाली प्रभु इतिहास जल्दी आ सकते, यहाँ पर खड़े होकर के अंदर में उसको आने नहीं देना, अब जो जो देता है ना आप लेकर के यहाँ दे देना, अब इसको अंदर में आने नहीं देना, वहाँ पर खड़े हो जाओ। हरे कृष्ण बोले श्री वृंदावन बिहारी, एक अब इधर आ सुन, इधर आ सुन, एक एक ना करा, हरे कृष्ण बोल उसको अंदर, सब सब सबको पीछे भेज दो, जब पीछे बैठो इसलिए मानव शरीर के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। बोले क्यों तरसते हैं, ये मानव शरीर का इतने महत्व क्यों, ठाकुर जी कहते हैं बोले साधन था कारण है कि जो मानव शरीर नहीं
कहते हम 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष योनि भ्रमण करते करते ये मानव शरीर नहीं कहते ये मुक्ति की दरवाजा पर पहुंचे। कहां पर पहुंचे हो? मुक्ति के दरवाजा पर हम पहुंचे, मतलब क्या है? ज्यादा बात मत करो। इसलिए मुक्ति के दरवाजा पर पहुंचे मतलब क्या? इसी जीवन में ही हम भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर आप लोग कथा सुनने के लिए आए, अगर कोई सुअर सोचे भैया भागवत कथा हो रही है इतना सुन करके आओ, वो गेट में आते ही ना डंडा लेकर उसे भगाए। कोई अगर कुत्ता सोचे कोई गधा सोचे यहाँ भागवत कथा हो रही है इतना सुन करके आओ, उसने देखा डंडे लेकर के वहीं से भगाएंगे उनको। इसका मतलब है ये मानव शरीर के सिवाय कोई भी ये सत्संग सुन नहीं सकते, कोई बैठ नहीं सकता। अगर कोई बोले हम राम राम कृष्ण कृष्ण बोले, इंसान के सिवाय कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पर कहते ये मानव शरीर नहीं साधन धाम, मतलब इसी शरीर से ही हम भगवान की साधन कर सकते हैं। इसलिए मोक्ष करे द्वारा बोले कहाँ पर पहुंचे हो? बोले मुक्ति के दरवाजा पर पहुंचे। एक छोटी सी कहानी सुन लो ध्यान से। बोले एक समय कोई एक अंधा था, वो अंधा डंडा टेकते टेकते जाते जाते एक बहुत बड़ा महल बना हुआ जिसमें 84 लाख दरवाजा, कितना दरवाजा, लेकिन केवल एक दरवाजा खुला हुआ, सारे दरवाजा बंद। अब जो अंधा था डंडा टेकते टेकते वो खुला हुआ दरवाजा में भूल से कैसे अंधेरे में चला गया, अभी निकल नहीं पा रहा है क्योंकि आंख अंधा है। जब दरवाजा में हाथ लगाता है बंद बंद बंद, कितना दरवाजा था? 84 लाख। ऐसे बंद देखते 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 कितने दिनों में वो खुला हुआ दरवाजा पर आया। जब आया सोचा सारे दरवाजा तो मेरे को बंद पड़ा हुआ मिला, ये दरवाजा थोड़ी खुला होगा, ये भी बंद हुआ होगा। इतने में उसकी थोड़ी खुजली मच गई और खुजलाते खुजलाते जो खुला हुआ दरवाजा था ना पता जी घूमता। इसलिए जो ऐसे घूमते घूमते अभी खुला हुआ दरवाजा आया और खुला हुआ दरवाजा में जब आया इतने उतना खुजली मची, खुजलाते खुजलाते ना वो दरवाजा पार, जब पार हो गया उसके बाद में कौन सा दरवाजा आएगा? अरे बोलो कोई कथा नहीं सुन, बंद दरवाजा आएगा। क्योंकि एक ही दरवाजा जिसमें खुला हुआ था, सारे दरवाजा उसमें बंद पड़ी थी। देखो ये चीज को समझो, वो अंधा और कोई नहीं, वो अंधे हामी है। 84 लाख दरवाजा मतलब क्या? मतलब भगवान को जीव भूल करके ये 84 लाख योनि में जीव भ्रमण करते हैं, लेकिन सारे दरवाजा बंद है। मतलब क्या है? मानव शरीर के सिवाय कोई भी भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते, इसलिए सारे दरवाजा बंद है। लेकिन ऐसे भ्रमण करते करते बड़े दिनों में खुला हुआ दरवाजा में पहुंचा। कभी खुला हुआ दरवाजा, माता जी बात मत करो, हरे कृष्णा चुपचाप आकर बैठ। इसलिए उन्होंने खुला हुआ दरवाजा में पहुंचे, मतलब क्या है? ये मानव शरीर मिला। लेकिन जब ये मानव शरीर हमें मिला 84 लाख जन्मों के बाद में, लेकिन हमने क्या कि खुजलाना शुरू कर दिया। खुजलाना मतलब समझते हो? अच्छे तरह समझो, हमने ये पशु पक्षी जीवन में जो जो काम करके आए थे, पशु पक्षी जीवन में क्या काम किया? खाए पिए, दो चार बच्चे जन्म दिए मर गए, कितना ही तो किया, क्या किया? कल बता रहे थे ना, आहार निद्रा भय और मैथुन, केवल यही काम किया, सोना खाए दो चार बच्चे दिए मर गए। फिर हमको जो ये मानव शरीर मिला है ना, फिर हम वही काम किए। मानव शरीर में क्या करेंगे? तो चार लिखाई पढ़ाई भी कर लेंगे, बड़े कष्ट से कोई एक नौकरी मिल जाएगी, फिर शादी हो जाएगी, दो चार बच्चे दे देंगे, बस बड़ा करते करते राम नाम सत्य। बताओ इससे ज्यादा कुछ करेंगे क्या? इससे ज्यादा कोई कुछ करते हैं? इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं करते हैं। लेकिन ये काम हम जानवर जीवन में ही करके आए, अगर इसी जीवन पा करके हम वही काम में लग गए फिर गया जी। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित,
कि जो मानव शरीर नहीं ये मुक्ति की दरवाजा पर तुम पहुंचे हो। अगर ये जीवन काम करके भगवान की भजन तुमने नहीं की, संसार का सारे कर्तव्य बढ़िया से किया, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई, बढ़िया से दुकान पकान, बढ़िया से साथी, बच्चों को लंदन अमेरिका फ्रांस में शादी दिया, सारे काम को तुमने बढ़िया किया, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते तुमने प्रभु की भजन नहीं किया, जीवन में प्रभु की भजन नहीं किया। वो कहते जीवन में तुमने कुछ भी नहीं किया, जीवन में तुमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जीवन में जो कुछ करो अंतिम समय जब आएगा, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते, यही बोलते बोलते ले जाएंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा, यही बोलेंगे ना। इसको सुनाते हैं, ऊपर जो लेटा हुआ देख बेटा, जितने जीवन में राम और कृष्ण का नाम लिया है केवल तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किए हो केवल तुमने झूठे में जीवन बिताया, यहाँ से एक सुई धागा भी तुम्हारे साथ में नहीं जा रही। जिस पत्नी को तुमने सात तेरा लगा करके शादी किया, वो जाएगी तो रो रो करके दरवाजे तक जाएगी, आगे नहीं जाएगी। जो परिवार बनाया शमशान तक जाएंगे, खोपड़ी में घी भर करके फोड़ करके वहीं से वापस चले आएंगे, उसको आगे कोई जाने वाले नहीं। इसलिए जीवन पाकर क्या करनी चाहिए, विवाद मत करो, चुपचाप बैठ लो जहाँ पर। इसलिए जीवन पाकर क्या करनी चाहिए, हरि की भक्ति करनी चाहिए, तभी ये जीवन हमारे धन्य बन जाएगा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी बोले परिकीत बोले तस्मात् सर्वात्मना राजन् भगवान हरीश्वर श्रोतव्य कृतितव्यस्य स्मर्तव्य इच्छता भयम्। अगर ये संसार में कोई अभय बनना चाहते हैं उनको क्या करने चाहिए, तस्मात् सर्वात्मना राजन् भगवान हरीश्वर। कहते भक्ति दो तरह का भक्ति है, कितने तरह की भक्ति है, हर जोर से बोलो। कहते एक भक्ति वैधी भक्ति और एक राग भक्ति, ये चीज को समझो। कहते वैधी भक्ति कहते हैं किसको, बोले जो शास्त्र में जो शासन है, देखो ये जीवन 84 लक्षण जन्मों के बाद में मिला, अगर ये जीवन में प्रभु की भक्ति नहीं किया फिर क्या होगा, फिर तुम्हें वही 84 लक्षण जीवन में जाना पड़ेगा। ये समय को नष्ट मत करो, क्या करो, ये जीवन पाकर भगवान की भक्ति करो। जो भय से जो भक्ति करते हैं इसको कहते भक्ति, शास्त्र की विधि के अनुरूप सवेरे उठो, स्नान करो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, तिलक लगाओ, गुरु मंत्र जप करो, हरिनाम करो, ठाकुर जी का आरती उतारो, तुलसी में पानी दो, तुलसी की परिक्रमा करो, थोड़ी सी गीता रामायण पढ़ो, भगवान के नाम जप करो, शास्त्र की आदेश देता है। अगर नहीं करेंगे फिर तुमको वही 84 लक्षण जीवन में भटकना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र के विधि के अनुरूप हम जो भक्ति करते हैं इसको कहते हैं वैधि। और एक भक्ति होता है राग भक्ति, बोले राग भक्ति इसको कहते हैं, बोले इष्ट स्वारस्य की राग परमाभिष्ट भक्ता। इसलिए भगवान के प्रति जो स्वाभाविक जो अनुराग है, जैसे हम लोग हमारी भक्ति कैसे, जैसे हम लोग कैसे भक्ति करते हैं, स्नान करके नहा धो करके सोचते हैं ठाकुर के सामने बैठेंगे, थोड़ी सी माला जप करेंगे, गुरु मंत्र जप करेंगे, देखना आंख बंद करके क्या दिखता है, ठाकुर के सिवाय दुनिया दिखता है, बेटा बेटी नाती पोती, सोचते हैं हरि भक्त का भजन करें, लेकिन एक मिनट भजन में नहीं लगती, मन इधर उधर भटकती है। लेकिन जो गोपियों की जो भक्ति राग भक्ति किसको कहते हैं, राग भक्ति उसे कहते हैं जो स्वाभाविक रूप में भगवान की चरण में अपनी आप मन लग जाए, अपनी आप मन प्रभु की चरण में जो लग जाए, इसको कहते हैं राग भक्ति। जैसे ब्रज गोपियों की भक्ति थी, उद्धव जब ब्रज में आए गोपियों को ज्ञान की बात बताई, बोला भगवान कृष्ण के लिए क्यों रो रहे हो, कृष्ण कहाँ नहीं बताओ, वो तो घट घट बात सी, वो तो सर्वत्र विद्यमान है, उसको ध्यान करना, जहाँ ध्यान करो ठाकुर जी वहीं आ जाएंगे। गोपियाँ क्या कहती हैं, बोले उद्धव
तो कहते हैं उस पर ध्यान करो, हम तो काले को भूलना चाहते हैं, वो काले को हम भूलना चाहते हैं, लेकिन ये पता नहीं है बिगोड़ी मन ऐसे हैं, वो स्मरण करेगा तो काले के सिवाय और उसको याद नहीं करता। ये कान को हम समझाते हैं, क्या समझाते हैं, तुम कृष्ण की बंसुरी को छोड़ कर दूसरे आवाज को सुनो, लेकिन ये कानों में कृष्ण की गला की आवाज और बंसुरी की आवाज को छोड़ करके कान में और कुछ प्रवेश नहीं करता। ये जीवा को हम कहते हैं तो कृष्ण नाम छोड़ कर दूसरा नाम लो ना, लेकिन ये निगोड़ी जीवा ऐसे हैं, उसके नाम को छोड़ कर दूसरा नाम ही नहीं करता। इसको कहते हैं राग भक्ति, जो स्वाभाविक रूप में भगवान के चरण है, इनके प्रेम है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो राग भक्ति करते हैं वो भगवान को क्या मान करके, कोई मानते कृष्ण हमारी सखा है, कोई कहते कृष्ण हमारी लाला है, कोई कहते हैं गोपियां कहते कृष्ण का हमारे प्रियतम है, हैं इसी रूप में। लेकिन जो व्यक्ति वैदिक भक्ति करते हैं वो भगवान को भगवान मान करके, विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, वो ईश्वर है, घट घट वासी है, सर्व अंतर्यामी रूप में उनको भक्ति करते हैं। इसलिए दो तरह का भक्ति यहाँ पर बताई, लेकिन ये सारे भक्तियों में बोले श्रोतव्य कृति तपस्य समर्थत्व इच्छता है। अगर दुनिया में कोई अभय पाना चाहते हैं उनको तीन काम करनी चाहिए, कितना काम करनी चाहिए, क्या क्या बोलो, भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान की कीर्तन करनी चाहिए और भगवान का स्मरण करनी चाहिए, ये तीन काम करनी चाहिए। लेकिन तीन ही कामों में जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति किया है, बोले ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है भगवान की कीर्तन करनी चाहिए। इसलिए कलि युग के बल नाम आधारा और सुमिरि स्मरण करा उतर ही करा। कलि युग में जो कीर्तनाख्या भक्ति, महाप्रभु जिसको कहते हैं परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान की कीर्तन की जय जयकार हो कलि युग में, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर कोई हरि का नाम लेगा तो उसको सात लाभ होगा, कितना लाभ होगा, जोर से बोलो सात। आज मैं बोलूंगा कल आपसे सुनूंगा, ध्यान देकर सुनो। महाप्रभु कहते हैं जो पहला लाभ है बोले चेत दर्पण मार्जन, बोले ये चित्तरूपी जो दर्पण है वो साफ हो जाए, क्योंकि जैसे हमारे कपड़े में अगर धूल जम जाती है हम तो साबुन और सोडा से साफ कर देते हैं, लेकिन जो दिल में जो लगा कर जो हमारी काम क्रोध अनर्थ उसको कैसे साफ होगा, बोले हरि के नाम जप करो, क्या करो हरि की नाम जप करो, तुम्हारी हृदय रूपी दर्पण तुम्हारी साफ हो जाएगी। बोले दूसरा लाभ क्या है, बोले भव महापन, संसार में जो आग लगी हुई है जो तरह तरह से दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बेटे से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, दुखी दुखी जो संसार में है, कहते भगवान के नाम जप कर क्या होगा, जो सारे दुख तुम्हारी दूर हो जाएगी, बोले सब दुख दूर हो गए जब तेरा नाम लिया। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण कृष्ण, जोर से कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, इसी तरह सामने आ जाओ और एक बार जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, इधर से राम राम हरे हरे। इसलिए दूसरा लाभ क्या है, जीवन का जितने दुख कष्ट सारे दुख कष्ट तुम्हारी खत्म हो जाएगी। बोले तीसरा लाभ क्या है, बोले विद्या बधो जीवन, कहते विद्या रूपी जो भोग है उसका जीवन स्वरूप क्या है, बोले भगवान का नाम। बोले मतलब क्या है, बोले हमने जो इतने लिखाई पढ़ाई कितने बच्चा बैठो, इसलिए जीवन में हमने जितने लिखाई पढ़ाई की है ये लिखाई पढ़ाई का सार्थकता किसी में, ध्यान देकर सुनो। बोले भगवान की जब भगवान नाम जब करोगे ना तब तुम्हारी सारी लिखाई पढ़ाई तुम्हारी सार्थक हो जाएगी। अगर तुमने सारी दुनिया को पति,
इसलिए पीड़ा कहती है पोथी पढ़ पढ़ मुआ भयो पंडित बना ना कोई ढाई अखर प्रेम सो पढ़ा सो। जो ढाई अखर प्रेम को जो पढ़ लिया ना तो वो असली पंडित वही है, ठीक है ना। इसलिए जितने हम विद्या पढ़ाई कर रहे हैं अगर प्रभु के नाम में रुचि हो गया समझना पढ़ाई सार्थक। अगर प्रभु के नाम में तुम्हारी रुचि नहीं हुई ना, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु एक बहुत बड़ा विद्वान थे केशव काश्मीर। माँ सरस्वती जी की जिह्वा पर बैठ करके बात करती थी। सरस्वती ने वरदान दिया पृथ्वी में कोई भी तेरे को परास्त नहीं कर सकता है, सारा दुनिया को जय व्यक्त करता है। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु पास में आए महाप्रभु ने बात बात में परास्त कर दिया। बड़े आश्चर्य में पड़ गई, बोले 15-16 साल बच्चे को सामने इतना बड़ा मैं विद्वान फिर परास्त कैसे कर दिया। माता जी ने बोली थी कोई भी परास्त नहीं कर सकते हैं, बोले लगता है भैया नाराज है। तब उन्होंने मंत्र जप करते करते सो गए। जब सो गए ध्यान देख सुना ये माँ स्वयं सरस्वती बात कह रही है। माँ सरस्वती स्वयं स्वप्न में प्रकट हो गई, बोले बेटा आज तुम्हारी जितने पढ़ाई लिखाई सार्थक था, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का जो सार है भगवत दर्शन। आज जिनको साथ में तुम्हारे मिले हो वो मेरे पति है। तू तो बोलता नहीं बात तब मैं तो करती थी, पति को साथ में पत्नी कभी मुंह उठाकर बात नहीं कर सकती। जब मेरे पति को साथ में तुमने तर्क वितर्क करने के लिए गया मैं वहां से अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान हो गया तो तू तो बोलता नहीं था, मैं बोलती थी, फिर तू हार गया। बोले देख बेटा मेरा दो तरह का कृपा है, मैं जिनको सही सही कृपा करती हूँ उसको लास्ट में उसको भगवान को पहुंचा देती हूँ, और जिसको मैं सही सही कृपा नहीं करती हूँ क्या करती हूँ उसको एमए पीएचडी नहीं तो उसको डॉक्टर इंजीनियर बना करके संसार में भी गधा बना देती हूँ। तीन भर संसार की बोझ को उठाते रहो। देखना है कि चिड़ी आप क्या करना है, घोसला से सवेरे निकलता है शाम में घुस जाती है। हम भी तही करते हैं, सवेरे अपना घोसला से निकले निकल कर दिन भर काम करते करते फिर घोसला में सो गए, सवेरे उठ गए फिर घोसला से निकले। एक व्यक्ति दो व्यक्ति ऑफिस में काम करता था, एक व्यक्ति पूछा तेरे बेटा कितना बड़ा, बोले इतना बड़ा है। उसने कहा सब दुनिया कहता है मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, तो इतना बड़ा कैसे कहते। बोले भैया मैं जब ऑफिस में आता हूँ देखता हूँ बेटा का सोया हुआ, जब ऑफिस से जाता हूँ देखता हूँ बेटा सोया हुआ, मैं तो देखा नहीं बच्चे को चलते हुए। मतलब इतने बीजी में जी व्यस्त रहते हैं। इसलिए यहाँ सरस्वती कहती हैं मैं जिसको सही सही कृपा नहीं करती हूँ संसार में एक गधा बना देती हूँ। तीन बार संसार की बोझ को ढोते रहो, ढोते ढोते खत्म जीवन खत्म। लेकिन जिसको मैं सही कृपा करती हूँ उसको मैं भगवान तक पहुंचा देती हूँ। बेटा आज मेरी दर्शन मेरी आशीर्वाद धन्य हो गया, क्योंकि आज तुम भगवान से तुम मिले हो, जाओ उनकी चरण में शरणागत हो जाओ। जब उन्हें भगवान की शरण में आए देख भगवान क्या कहते, बोले बेटा एते हो छाड़िया चलिए विद्या का पौरुष और संगे किचु नहीं चले। जब ये शरीर तुम्हारी छूट जाएगी तुमने जो ये डिग्री को पाया, ये डिग्री कोई जाएगा, कोई बोलेगा तुमने पीएचडी किया था इंजीनियर डॉक्टर किया था, कोई बोलेगा। अंतिम समय में यही बोलेंगे राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है और सत्य बल गत्य है सब कोई बात झूठा, यही तो बोलेंगे ना। बोले जितने तुमने राम और कृष्ण का नाम लिया वही सत्य है और जगत में जो कुछ किया तुमने झूठा में बिताया, और अंतिम समय तो प्रभु का नाम ही तो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं विद्या मधु जीवनम, जितने पढ़ाई लिखाई हमने की है वो पढ़ाई लिखाई का तभी सार्थकता जब ये जीवा में भगवान के नाम उच्चारण करोगे, नहीं तो ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारी बेकार। देखो हमारे गुरु जी और एक कथा सुनाना, बोले एक समय एक नाव में एक इंजीनियर एक डॉक्टर बनी सीए ये तीनों लड़के नदी पार कर रहे थे, नदी बड़ी लंबी चौड़ी थी। जब बीच दरिया में नाव पहुंच गया जो सीए कर रहा था वो नाव वाले से पूछा, बोले तेरे को सीए के बारे में कुछ पता, बोले सीए क्या होता है, बोले पढ़ा नहीं, बोले नहीं, बोले तेरे को 25% 25% जीवन देगा। और थोड़ी दूर गया जो इंजीनियरिंग कर रहा था, बोले तुमको इंजीनियर के बारे में कुछ पता, बोले भैया हम तो कुछ ही पता नहीं।
बोले तेरा तो 50% बन गया, 50%। और थोड़ी दूर गया जो इंजीनियरिंग कर रहा था, बोले तेरे को इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पता? बोले वो क्या होता है? बोले नहीं जानता। बोले नहीं, बोले तब तुम्हारे तो 75% जीवन बेकार। लेकिन जब बीच दरिया में नाव पहुंचा, नाव में हो गया छह, पानी घुसना शुरू हो गया, कोशिश किया बंद करने के लिए, बंद नहीं हुआ, देखा डूबने वाला। नाव वाले ना पूछे गए, बोले तुम लोगों को तैरना आता है? बोले तैरना क्या है? बोले तैरना नहीं जानते हो? बोले मेरे तो 75% बेकार गया था, अभी तुम्हारी 100% बेकार जाएगा। और देखते देखते नाव डूब गया और जितने सीए डॉक्टर इंजीनियर सब डूबकर मर गए। यहाँ सिखा देते गुरु जी कहते हैं हम भी बहुत कुछ पढ़ लिख गए, लेकिन भैया अंतिम समय में तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कोई भी ये काम में आने वाले नहीं है, सबके सब यहीं रह जाएगी। पास एक डिग्री काम करेगी, ढाई अक्षर प्रेम सो पढ़ा सो पंडित सो, ठीक है ना? इसलिए भगवान के नाम जप करने से विद्या बंधु जीवनम और आनंदा बुद्धि वर्धनम, जब भगवान की भजन करोगे आन रूपी जो समुद्र है वो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे प्रभु का नाम जप करोगे। और ये जो पंचमा लाभ है कहते हैं, कहते मान उदाहरण दिया हमारा हृदय एक कुमुद पुष्प है, भगवान का जो नाम है ये चंद्रमा, जैसे चंद्रमा का किरण पड़ने पर जैसे ये फूल खिल जाती है, कृष्ण नाम को जब हम ग्रहण करेंगे हमारे हृदय रूपी जो फूल है वो खिल जाएगा। मतलब क्या है? प्रभु का नाम से आनंद में डूबे रहोगे, एक दिन ऐसे होगा संपूर्ण कृष्ण भक्ति रस में तुम डूब जाओ। इसलिए क्या करनी चाहिए? बोले जो इच्छा था अभयम, जो अभय प्राप्त करना चाहते हैं भगवान के नाम को जप करो। देखो हनुमान जी रघुपति राघव पति पावन, हनुमान जी करते प्रभु का नाम तो जप दिया, क्या करती हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। शंकर जी क्या करते हैं? पंचमों के राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर भी पंचमों में प्रभु का नाम ही जप करते हैं। माता देवी को देखना एक हाथ में माला है, अब देख लेना माता की एक हाथ में माला है। इसलिए हमारे संत क्या कहते हैं? बोले राम नाम की माला, उसके बाद में बोला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, हरे कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, I'm gonna make it right।
कोई दिल वाला कृष्ण नाम की माला जग का कोई दिल वाला कृष्ण नाम की माला जग का कोई दिल वाला जग का कोई दिल्ली वाले नहीं है जपेगा कोई दिल्ली वाले नहीं जपेगा कोई दिल वाला मतलब क्या इजीली वो समझो जिसका दिल मजबूत है ना कोई नाम जप कर सकता है जिसका दिल कमजोर है ना वो नहीं करेगा उनको शर्म लगेगा बोले माला जपते तो बोलेंगे क्या तुम गुरुपी क्या बाबा जी बन गए तुम क्या साधु बन गए हो शर्म लगेगा लेकिन झूठ बोलने के लिए शर्म नहीं लगता गंगा काम के लिए शर्म नहीं लगता लेकिन थोड़ा बोलो थोड़ा तिलक लगाओ गले में कंठी धारण करो बोले दुनिया हमें क्या बोलेगा घंटी पहन लेंगे तिलक लगा लेंगे दुनिया क्या बोलेगा शर्म लगता है ना लेकिन गंदा काम सिगरेट पीने के लिए शराब पीने के लिए शर्म लगती है हैं सबको सामने तो गंदे काम करते हैं इसलिए भैया कहते जपेगा कोई दिल वाला मतलब क्या है जिसका दिल मजबूत है ना वही हरि का नाम कर सकता है वही व्यक्ति गले में घंटी पहन सकता है वही व्यक्ति तिलक लगा सकता है सभी तिलक पर नहीं लगा सकते इसलिए आप लोग क्या बोलना दिल वाले बना क्या बना दिल वाले बना के गले में घंटी माला तिलक धारण करो बोले श्री प्रताप बिहारी लाल की जय जय श्री राधे मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मुझे ऐसी लगन तू लगा दे तेरे बिना पल ना रहो भगवान के पास मैं भेजने कह रहा हूँ भैया मुझे सौभाग्य नहीं है तरक्की में भक्ति ऊपर जाओगे ठीक है दोनों हाथ उठा के ताली चला मुझे ऐसी लगन तू लगा दे तेरे
इसको पर रखी नहीं चढ़ी, लेकिन मैं एक गोपी को मैं रख चढ़ी, इसलिए एक गोपी और दूसरे को भी लड़ी है। जब इसको पर ये रख चढ़ता है ना, जब साधु का रख चढ़े वो तो जितनी भी होता है जब साधु का आती है, ये बताओ एक व्यक्ति का वो नाश्ता है, गोपी में ना सुखी में नाश्ता है, बताओ वो आनंद में नाश्ता है। हृदय में जितने आनंद उभरती है वो आनंद को हृदय में रख दी बात करना नाश्ती है ना, सब खड़े हो जाए पर सकते कई बार रख तो चढ़ा लो खड़े होते हैं पर नाच लो फिर बैठ जाए। तेरी बंसी पे जाऊं मन हार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जय हो, बंसी पे जाऊं मन हार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। Oh,
फिर क्या करेगा? उसका हृदय से पाप नहीं जाएगा, फिर दोबारा दूसरे दिन भी वही पाप करना शुरू कर देगा। इसलिए कहते जो प्रायश्चिति है वो हाथी स्नान के बराबर है, उसको जचा नहीं उनको। तब उन्होंने बताया ऐसे कोई उपाय क्या है जो काम करने से ये हृदय से पाप कर्म करने की वृत्ति खत्म हो जाए, कोई ऐसे उपाय है? बोले हाँ ऐसे भी एक उपाय, बोले उसको बताओ ना। बोले के जी के बोले या भक्त्या वासुदेव परायणा अगर कोई भगवान को भक्ति करे, प्रेम करे, ठाकुर का कोई नाम जप करे ना, उदाहरण दिया है जैसे सूरज उदय होने पर सारे अंधकार अपने आप हट जाते हैं, जब जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में ऐसे सकते हैं, यदि ये भक्ति और भगवान का नाम लेने से हृदय में जो पाप की जो वृद्धि है ये पाप का वृद्धि खत्म हो जाएगी। तब मैंने बोले तुमको एक में कथा सुनाता हूँ। बोले बोलो। बोले कान मैंने खूब जेने से बची दासी पुत्र उन्होंने एक सुंदर कथना सुनाई। बोले कान्या खूब देश में एक अज्ञान नाम के व्यक्ति रहता था, लेकिन एक जन्मा ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, पत्नी बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर ही, और इनके अंदर में जितने सद्गुण हैं सबर उठ करके पिता माता की चरण छूना, गुरुजनों के आदेश पालन करना, सबको ऊपर में दया करना, सभी को दान, जितने सद्गुण होनी चाहिए इनके अंदर में ये सारे सद्गुण परिपूर्ण था। लेकिन एक दिन वो जंगल में यज्ञ करने के लिए फल फूल लकड़ी लेने के लिए पहुंचे, जब पहुंचे तब उन्होंने देखा एक शूद्र और एक शूद्राणी शराब पी करके रखी और विवस्त्र होकर के दोनों विहार कर रहे। उसने मन को बहुत समझाया लेकिन ये मन को वहां से ला नहीं सका, जैसे उसको देखते रह गया और क्या हुआ उसके हृदय में फटो खींच गए। जब फटो खींच के जब घर में आया देखो ये असत सत का कितने प्रभाव, देखो कितने सद्गुण संपन्न व्यक्ति था, लेकिन एक बार ये गंदी चीज को देख लिया तो संभाल नहीं सका। पत्नी में ब्राह्मणी कम उम्र की सुंदरी है, लेकिन उसने अपना पत्नी को त्याग दिया और ये शूद्राणी वेश्या को साथ करा, उसके हाथों में अमृत कुमृत के सब कुछ आए, अपना घर को त्याग दी और उससे 10-10 बच्चे हुए, लेकिन सबसे जो छोटा बेटा का नाम रख दिया नारायण। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, देखो हमारे जितनी इंद्रियों में ना सबसे जो बढ़िया इंद्रिय तो आगे हैं, लेकिन सबसे गंदा इंद्रिय भी आगे। अगर इन्हीं आंखों से साधु गुरु वैष्णव का दर्शन करो, ठाकुर का दर्शन करो, क्या होगा? फिर भगवान की स्मरण होता है। लेकिन अगर इन्हीं आंखों से उल्टा पुल्टा चीज देखो तो गंदी गंदी। अभी बच्चे इतने क्यों बिगड़ते? कारण यही है, उल्टा पुल्टा गंदी पिक्चर स्मार्टफोन व्यवहार करके इसी सही बच्चे सब बिगड़ रहे हैं। जब अज्ञानी जैसे व्यक्ति सदाचार संपन्न व्यक्ति अगर वो एक बार गंदे चीज को देख करके भ्रष्ट हो सकता है, फिर हम क्या कर कौन चीज देते? इसलिए यहाँ से क्या देते हैं भैया, गंदी गंदी चीज को नहीं देखनी चाहिए। पहले सिनेमा आता था जितने सब आध्यात्मिक चीज आती थी, लेकिन अभी जितने उल्टा उल्टा होगा चलेगा नहीं तो चलेगा, गंदी होगा तो चलेगा नहीं तो चलेगा नहीं सकती है। इसलिए हमें इन आंखों से गंदी चीज को नहीं देखनी चाहिए। तो उसने सबसे छोटा बेटा का नाम क्या रख दिया था? जोर से बोलो। आप देखना सबसे छोटा बेटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है। अभी वो बात बात पर ना बोले बेटा नारायण इधर आ जा, बेटा नारायण मेरे लिए पानी दे आ, नारायण तो कहाँ हो, जब माँ की गोद में होगे बेटा नारायण मेरे गोद में भी आ जा। अभी बात बात पर नारायण 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 नाम लेना, लेकिन ऐसे करते 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 उसका अंतिम मृत्यु आया। मृत्यु आने पर हम जो कर्म करते हैं काय मन और वाक्य ये तीनों में सारे काम करते हैं, इसलिए मरते समय तीन जंतु लेने के लिए आए। अभी उनके भयंकर रूप को देख करके क्या उनकी सब बात खड़े किए, आप किसकी
ये छाती में सर, इसका सर पीछे बड़ा भयंकर रूप बताया। बापू जी बैठ जाओ वहाँ, बापू जी बैठ 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 वहाँ, जब कीर्तन होगा सब काम करना। इसलिए इन्होंने किया कि कथा को ध्यान से सुनना, इसलिए उन्होंने अंतिम समय में इनके भयंकर रूप को उन्होंने देखा और भयंकर रूप को देख करके इन्होंने डर गए और डर करके देखा इतने में उनका बेटा दूर में फैलते हुए, तो उन्होंने चित्कार करते हुए बोले, बोले बेटा नारायण नाम ये चार ये करे। एक तरफ में तीन जंतु गले में रस्सी को बांध करके खेच रहे आत्मा के, दूसरे तरफ में चार विष्णुदूत प्रकट हो गए, बोले माँ भयो डरने का कोई बात नहीं, हम रक्षा करने के लिए, कोई चिंता मत करो। और इतने में जब प्रकटित हो गए, क्या शरीर में थे, कितने सुंदर थे, इनके तेज से चारों तरफ बिल्कुल उजला उजला हो गया, इतने सुंदर थे वैकुंठ से आए। इतने में बोले सावधान, ये जो अज्ञान में भी ये वैष्णव है, खबरदार इनको स्पर्श नहीं करना। इतने में जब उनको ले रहे थे जो जमदूत रुक गए, बोले अभी तक दुनिया में कोई भी जमदूत को सामने कोई टिक नहीं सके, उनको कोई बाधा नहीं दे सके, जीवन में पहला बार हुए जो बाधा देने वाले। इतने में विष्णुदूत कहते भैया तुम लोग कौन हो, बोले हम धर्म राजा का दूत है। बोले धर्म का नाम पर अधर्म कैसे कर रहे, अधर्म कैसे कर रहे, बोले अधर्म किया आपको पता ये बेटी कौन है, ये ब्राह्मण घर में जन्म लिया, इनकी पत्नी को छोड़ा, एक सुतराणी वेश्या को साथ करा, उनसे 10 बच्चे जन्म दिया, लालना पालना करने के लिए चोरी गुंडा गिरते डाकू ऐसे कोई पाप नहीं जो उसने पाप कर्म नहीं किया, सारे पाप कर्म किया, इसलिए सीधा कर ले जाएगा, कहा जाएगा। इतने में विष्णु तो कहते हैं भैया पुण्य भी तो किया, बोले पुण्य क्या किया, बोले अंतिम समय में प्रभु का नाम लिया, बोले बा जिंदगी भर पाप करो, मरने से पहले एक बार नाम ले लो, हो गया नाम लेने से। देखो विष्णु तो क्या कहते हैं, बोले मूर्खों तुम्हें क्या पता भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। वो उदाहरण देते हैं जैसे एक रुई का ढेर हो, देखा घूस का ढेर हो, उसमें एक आग की चिंगारी लग जाए, बताओ क्या करेगा, वो जला करके राख कर देगा। भगवान का जो नाम है हम कहते हैं ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। Hey, hey, hey.
दूत क्या कहते हैं, जब उसको बेटा का नाम उसने नारायण नाम रखा था, उसी समय में ही सारे पाप से मुक्ति मिल गई। लेकिन तब से लेकर अभी तक जो बार बार बच्चे को बुलाया नारायण, मेरे बेटा मेरे गोद में आ जा, नारायण मेरे लिए पानी ले आ, ये जो बारंबार इसने बुलाया, जैसे हम माला जप करते हैं ना, ये हो गया इसकी माला जप हो गया। लेकिन अंतिम समय में जो भगवान का जो नाम लिया, इतना जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत नाम कही आप तो। देखो एक चीज समझो, कोई कहते हैं अरे अभी से क्या भजन करें, हम थोड़ी मर रहे हैं, हैं बूढ़े होने से पहले एक दो माला जप कर लें। गोस्वामी जी कहते हैं भैया जन्म जन्म मुनि जतन कराई, मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी अंतिम समय में प्रभु का नाम नहीं निकलती। देखना जैसे कि बच्चा बात मत कर, जो पीछे आ रहे हैं वही कोई बैठने दो, आगे जाना नहीं है, जो बिल्कुल पीछे बैठो। इसलिए देखो इधर, जैसे कोई बच्चा सीए करता है, इंजीनियर का डॉक्टर करता है, डॉक्टर को पढ़ता है, कितना साल तक पढ़ता है, देखना 25 साल तक उसको पढ़ना पड़ता है कोई विषय पर। लेकिन जब लास्ट एग्जाम होता है, लास्ट में जब उसको एग्जाम होता है, दो तीन घंटा केवल एग्जाम, और कभी कभी तो आधा घंटा एक घंटा की एग्जाम है, उसमें अगर नंबर बढ़िया आ गया ना, बस नौकरी मिल जाती है। साधारण एक छोटी नौकरी के लिए 25 साल तक उसने पढ़ा है, 25 साल तक पढ़ा तभी जा करके एक घंटा में पास हो गया है। जो बच्चे लोग कोई कान बाजना सीखते हैं ना, गाना बजाना, देखना लास्ट केवल 5-10 मिनट टेस्ट होता है, 5-10 मिनट टेस्ट होता है, उसकी नौकरी मिलता है, उसके लिए 10 साल तक वो प्रैक्टिस 10-10 घंटा 15-15 घंटा प्रैक्टिस करता है, 10 मिनट खत्म। उसी तरह यहाँ पर कहते भैया जिंदगी में जो रील में जो रहेगा वही तो भरे उल्टा निकलेगा ना। अगर जिंदगी में अगर रील में अगर प्रभु की भक्ति भरोगे तभी तो जाकर के अंतिम समय में प्रभु का नाम आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। इसलिए क्या करनी चाहिए, बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जब जन्म जन्मांतर तक मुनि जतन करते हैं अंतराम कही, तभी अंतिम समय में राम का नाम निकलेगा। अब अंतर राम कही मेरे आप बना, फिर जगत बनाना नहीं पड़ेगा, है नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते इसमें जो अंतिम समय में भगवान के नाम लिया, फिर जब दूध कहते तो प्रभु का नाम कब लिया, उसने प्रभु का नाम कब लिया, अरे वो तो बेटे को बुलाया था, किसको बुलाया था, वो बेटे को बुलाया, भगवान का नाम नहीं लिया उसने, बेटे को बुलाया। तब यहाँ विष्णु दूत कहते हैं भगवान का नाम चार ही तरह से कल्याण करता है, क्या क्या है, बोले सांकेत्यम परिहास्यम स्तोभम हेलन विवाह वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहर। पहला नंबर है सांकेत्यम, सांकेत्यम का मतलब होता है जैसे बच्चे का नाम नारायण रख दिया, गोपाल रख दिया, कृष्ण रख दिया, बार बार बच्चे को बुलाते बेटा नारायण इधर आ जा, बेटा कन्हैया इधर आ जा, बेटा राम इधर आ जा, ये संकेत है। अगर ये संकेत पूर्वक अगर कोई प्रभु का नाम ले तो उसको उधार हो जाएगा। इसलिए देखो पहले जितने बच्चों को नाम पूछो, जितने बड़े बूढ़ों को नाम पूछो, देखो कृष्णा गोपाल राम मधुसूदन कैसे नाम होगा, माताओं का नाम पूछो, गीता सीता सावित्री है राधा लक्ष्मी यही नाम होगी ना। अभी बच्चों को नाम पूछो, विदेश में सब कुत्ते हैं ना, सब विदेश में सब कुत्तों का नाम धरवाते हैं, कहते बच्चों का नाम भगवान का नाम कैसे पकड़ पाएंगे, कल्याण नहीं हो जाएगा, बारंबार भगवान का नाम लेंगे तो उधार नहीं जाएगा। देखो जितना बार जीवा से प्रभु का नाम ले इतना मंगल भवन है अमंगलहारी। जिस घर में बारंबार ठाकुर का नाम गूंजेगा, कृष्ण कृष्ण राम राम बोलोगे ना, जितने दूर तक इसकी आवाज जाएगी सारे पाप हमारी नष्ट हो जाएगी, सारे पाप हमारी नष्ट हो जाएगी, सारे पाप भगवान के नाम से। समझ रहे हो, वृंदावन कभी जाना इस्कॉन मंदिर में देखना, अंग्रेजी बच्चों को नाम पूछ लो क्या वो नाम कहते हैं, वो सब उल्टा उल्टा नाम नहीं, हमारे भारतीय संस्कृत को अपना रहे। अंग्रेजी लोग कभी वृंदावन जाते देख लेना बच्चों का नाम कृष्णा गोविंद दामोदर ऐसे भगवान का नाम रख रहे हैं,
वो लोग हमारी संस्कृति को ले रहे हैं और हम अंग्रेजियों का झूठा जो खाकर फेंक दिए, दुखी होकर के हम उसको उठा उठा कर खा रहे हैं। ठीक है ना, बच्चों का नाम कुत्ते का नाम नहीं रखवाना, ठाकुर का नाम रखवाओ, कम से कम मुंह में ठाकुर जी की नाम निकले। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जब जमदूतों ने विष्णु जब दूतों को विष्णु ने मार मार कर वहां से भगा दिए, इतने में विष्णु जमदूत गए जितने अस्त्र शस्त्र था जमनाथ के चरण में फेंक दिए, बोले तुम्हारी नौकरी फोकरी नहीं करेगी। बोले क्यों? बोले बहुत बड़ा पापी था, उसको लेने के लिए गए, पता नहीं कहाँ से चार हाथों वाले बड़े दिखने में तो जी सुंदर दिख रहे थे, आए इतने हमने अपमान की, कभी जिंदगी में हमें इतने अपमान किसी ने नहीं की, उनको पकड़ करके लाओ हमारे सामने दंड दो, नहीं तो ये प्राण त्याग करेगा, अपमान को सहन नहीं कर सकते। इतने में भगवान विष्णु ने कहा ये बताओ वो व्यक्ति मरते समय जो बोला था क्या? बोले हाँ एक बार वो नारायण नाम लिया था। क्या नाम लिया था? इतने में नारायण नाम सुनते जब महाराज हो तो बेहस हो गए, बोले बड़े दिनों में हाय हाय नहीं, बड़े दिनों में प्रभु का नाम सुनने को मिला, भगवान के नाम सुनने को मिला। बोले प्रभु का नाम सुनने को मिला, हम तो सोच रहे थे आप ही जगत का हर्ता करता विधाता आप ही हो, आप कह रहे आपका भी कोई प्रभु? बोले गुरु को मैं तो केवल ये जो इंसान जो पृथ्वी के ऊपर जो इंसान है केवल इन्हीं को ही इन्हीं का ही अच्छा बुरा कर्मों को मैं देखने वाला, मेरे प्रभु तो नारायण है जो विश्व ब्रह्मांड का मालिक, ब्रह्मा शंकर इंद्र चंद्र का भी जो मालिक है, दुनिया को चलाने वाले, उन्होंने तो कृपा करके ये नौकरी हमें दिया, ये नौकरी मैं कर रहा हूँ, ये नौकरी मैं कर रहा हूँ। इसलिए देखो बच्चों जो भगवान की भक्ति करते हैं ना कभी भी उनको नहीं लाना, बोले एक काम करो एक चार्ट बना दो जिससे मेरे काम को पता चलेगा, क्योंकि किसकी शरीर में तो लिखा हुआ होता ही नहीं कौन भक्ति करता नहीं करता, कोई चार्ट बना दो। देखो ये जब महाराज ने ये चार्ट बनाया कौन कौन नरक जाएगा और कौन वैकुंठ जाएगा, आप भी ध्यान देकर सुनो, मैं नहीं कह रहा हूँ ये भागवत कह रहा है, पर जम स्वयं कहते हैं बोले जीवा न भक्ति भगवत को न नाम देयम् चित्तश्च न स्मरति जत चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति जत शीर एकदा तान अनधम असत अक्रीत विष्णु कृत्या कहते जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम दे। भगवान जिनको 84 लाख जन्म के बाद में ये मानव शरीर दिया, लेकिन ये मानव शरीर पा करके बैठे थे जैसे टटर टटर तो दुनिया की बात करते रहे, लेकिन जब भगवान के भजन की बात बताओ हरि नाम बोले समय कहाँ है? हमारे पास में समय कहाँ है? जिसने ये जिह्वा लेकर के भगवान की हरि का नाम नहीं किया, बोले चरण स्मरति जत चरणारविंद, जो लोग अपने हृदय में सारा दुनिया दारिद्र याद करते रहे लेकिन जो हृदय में जो भगवान की स्मरण नहीं किया, बोले कृष्णाय नमति जत सीर एकदा सारा दुनिया को चरण में तो सिर झुकाया लेकिन ठाकुर जी के चरण में सर नहीं झुकाया, लेकिन सारा दुनिया को सर में चरण में सर को झुकाया लेकिन ठाकुर को चरण में नहीं झुकाया, बोले तान आने था कहते कौन कौन दुष्टों को पकड़ पकड़ कर ले आना विष्णु अकृत्या विष्णु कृत्या, मतलब जो विष्णु मंत्र में दीक्षित नहीं हुए हैं उनको ही लेकर गया और जो विष्णु मंत्र कृष्ण मंत्र में दीक्षित हुए उनको नहीं ला। एक छोटी सी कहानी सुना बहुत अच्छी कथा है, कल आपको मैं पूछूंगा ये कहानी किसको याद है, ये पुरानी कथा है ध्यान लगा के सुनो। बोले एक समय दो पति पत्नी रहते थे, लेकिन जो पत्नी थी बड़ी पति प्रधाना है, रोज पति की चरणा धोती के लिए चरणा व्रत लेती थी, पति को बैठा कर गर्म गर्म रोटी खिलाएगी, पंखा चुलाए के पास में बैठ करके रोज पति की सेवा करता करते बड़ी पति प्रधाना आ रही थी। दोनों पति पत्नी ब्राह्मण ब्राह्मणी बड़े आनंद पूर्वक रहते थे। एक दिन पति कहीं बाहर गए हुए थे, इतने में घर में नारद जी आए। जब नारद जी आए उन्होंने नारद जी के लिए बड़े सुंदर रसोई बनवाया, रसोई बना करके नारद जी को भोजन करवाया। जब नारद जी भोजन किए भोजन को बाद में नारद जब उसको देखा उसके गले में तुलसी की कंठी थी,
और उसको ललाट में तिलक नहीं, मतलब है उसने कृष्ण मंत्र दीक्षित नहीं। जब कृष्ण मंत्र दीक्षित तो होते हैं गले में तुलसी कंठी और तिलक धारण करते हैं। फिर शास्त्र में बताएगा तभी उसकी हाथ का पानी पवित्र होता है, नहीं तो हाथ का पानी पवित्र नहीं होता। जब देखा उसको ललाट में तिलक गले में कंठी नहीं, मतलब वो वैष्णव भी नहीं है, उसकी हाथ का खाना खा लिया, मतलब मेरा धर्म कर्म सब खत्म हो गया। इतने में नारद जी दुखी होकर के उनको सामने उल्टी कर दिया जो कुछ खाए थे। जब उल्टी कर दिया, अगर कोई साधु आए आप इतना कष्ट करके भोजन बनाकर खिलाओ, अगर वो उल्टी कर देगा दुखी होगा कि नहीं? दुखी होगा कि नहीं? दुखी होंगे। इतने में बोले बाबा मेरे को क्या करनी चाहिए? बोले बेटी जब तक तो कोई कृष्ण मंत्र में दीक्षित नहीं लेते हैं, गले में कंठी और तिलक नहीं लगाते हैं, उनके हाथ का वस्तु हम ग्रहण नहीं करते हैं। तब बोले बाबा मेरे को फिर आप दीक्षा मंत्र दो। बोले स्नान करके आओ। जब स्नान करके आए नारद जी दीक्षा मंत्र प्रदान किए। बोले गुरुदेव कोई उपदेश है? बोले देख बेटी जो व्यक्ति कृष्ण मंत्र में दीक्षित नहीं है उनसे थोड़ी सी दूर रहा करना, और जब कोई जरूरत पड़ने को याद करना फिर मैं आ जाऊंगा। नारद जी इतना बोल करके नारद जी चले गए। जब नारद जी चले गए थोड़ी देर बाद में उसको पतिदेव आए। जब पतिदेव आए वो क्या करती थी? पति की चरण धोती थी, चरणामृत लेती थी। लेकिन गुरु जी क्या बोले? जो कृष्ण मंत्र नहीं लिए उनसे दूर रहा करना, पास में जाना नहीं। अभी पति को पास में जा करके पानी नहीं देती है, वो दूर से पानी को फेंक कर देती है। पति को पास में मटकी नहीं, और पति को जैसे रोसी बना कर जो भोजन थी पास में नहीं, दूर से थाली को सरका कर देती, दूर से थाली को सरका कर देती। पति को बोल दिया, गुरु जी बोले जो दीक्षित नहीं उनको पास में दूर रहना, आज मेरे रूम में सो नहीं सकता, दूसरे घर में सो। अभी उसका पति तो बड़े विपद में फंस गए। बोले बाबा ने आकर के पता नहीं क्या मंत्र दे कर गए, अभी तो मेरे पास में भटकते नहीं, इतने मेरी पति बर्दाश्त नहीं। इतने में उसने पूछा तुम्हारी गुरु जी कौन है? बोले नारद जी स्वयं। बोले तुम अपना गुरु जी को बुला सकते हो? मैं भी दीक्षा मंत्र लेना चाहता हूँ। बोले हाँ। गुरु जी बोले जब जरूरत मेरे को याद करके तुम्हें आ गया। बोले गुरु जी को स्मरण करो। तो उन्होंने नारद जी को स्मरण किया। बोले गुरु जी आप कृपा करके दर्शन दो। इतना बोलते ही ना नारद झट वहीं पर प्रकट हो गए। इतना चमत्कार को नमस्कार। जब झट प्रकट हो गए बोले भैया कुछ काम नहीं, स्मरण बनते ही बोले झट प्रकट हो गए। तो उसने बोले बोले गुरु जी आप भी मेरे को दीक्षा मंत्र प्रदान करो, मैं भी भक्ति करना चाहता हूँ। बोले देख बेटा जब गंगा में स्नान करके आओ। जब उसने स्नान करने के लिए गए माता जी वहीं पर खड़े हो, अंदर में आने पर अपने मन बसिया चले गए। इसलिए तब उन्होंने बोले तुम्हारे गुरु जी को जब बोले बोले गुरु जी मेरे को दीक्षा मंत्र तो भूल जाओ, गंगा में स्नान करके आओ दीक्षा मंत्र। जब वो गंगा में नहाने के लिए गए उनको कुछ दोस्त लोग थे, बोले थोड़ी देर पहले तू तो नहा कर गया था, दो बार क्यों आ गया? बोले श्री नारद जी गुरु जी आए, गुरु जी से मैं दीक्षा मंत्र लेना चाहता हूँ, इसलिए नहाने के लिए आया हूँ। देखो ये जगत में बिगाड़ने वाले व्यक्ति बहुत मिले, लेकिन संवारने वाले व्यक्ति बहुत कम मिले। गलत रास्ता में ले जाने वाले, शराब पिलाने वाले, सिगरेट फूकने वाले, जुआ खेलने वाले, लड़की बाजी करने वाले जगत में बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन तुमको सदमार्ग दिखाने वाले व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे। इतने मतलब जो दोस्त लोग थे ना, बोले अभी क्या दिखा मंत्र लोग? अभी ये पितृपक्ष है, अभी दिखा मंत्र मत लिया करो, बाद में ले लेना। थोड़ी अभी कोई बात नहीं हो, इतने जल्दी मंत्र लेने का क्या जरूरत है? बुढ़ापा में ले लेना, अभी क्यों मंत्र ले रहे हो? उल्टा पुल्टा उसको सिखा करके ना उसको गुरु मंत्र लेने नहीं दिया है। इतने में आकर के बोले गुरु जी मैं कुछ दिन बाद में दीक्षा मंत्र लूंगा। अभी कुछ दिन बाद में दोनों को मृत्यु होने पर जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए मीरा कहती है ना पायो जी मैंने मेरे साथ करो, ये विश्वास करे
बनायो आयो राम रतन पायो पायो जी मैंने राम रतन पायो। इसलिए कहते हैं ना चोर नहीं लेवे लुटे नहीं जावे दीन दीन भरत सबाए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं सेवा करते हैं वो अगले जीवन में बढ़कर के प्रकट होगा कभी घट कर के नहीं। दीन दीन भरत सबाए उसकी पत्नी ने ब्राह्मणी ने दीक्षा मंत्र ली थी इसलिए अगले जीवन में विदर्भ देश में राजा का बेटी बनकर के जन्म हुई राजकुमारी बनकर थी। इतने सुंदर थी विश्व तरस तथा शादी करने के लिए वो बीस यूनिवर्सिटी विश्व सुंदर थी क्योंकि भक्ति की है ना भक्ति तो कभी बढ़े घटेगी नहीं बढ़ेगी। और बचपन से भगवान की सेवा पूजा भक्ति बचपन से करती थी लेकिन उसका पति ने दीक्षा मंत्र नहीं लिया। लेकिन शंकर जी कहते हैं देखो शंकर जी कहते हैं बोले अति सभा कृतम सर्वम निरर्थकम। शंकर जी पार्वती को कहते हैं बोले पार्वती अगर किसने किसी जीवन में दीक्षा मंत्र को ग्रहण नहीं किया उसका जितने करी धराई सब कुछ व्यर्थ है। क्या हो जाता है मेरे तरफ में देखो इधर देखो इसलिए कहते हैं इसी जीवन में जो दीक्षा विष्णु भक्ति विघ्नस्य जो भगवत मंत्र में दीक्षा नहीं किया शंकर जी कहते पार्वती कृतम सर्वम निरर्थकम उसको कराई धराई का सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। दूसरे जीवन में बोले पशु जो नीम अपवाद शंकर जी कहते हैं दीक्षा मंत्र नहीं लेने से अगले जीवन में उसको जानवर जीवन में जाना पड़ेगा। उसको जानवर जीवन में उसको पति ने दीक्षा मंत्र नहीं लिया उसी राज्य में वो हाथी रूप में जन्म ग्रहण जब हाथी रूप में जन्म ग्रहण की अभी पहले नियम क्या होता था स्वयं पर सभा होती थी बड़े बड़े राजा लोग वहां पर आए हुए वो अभी गले में माला डालेगी राजकुमारी। इतने में जब वो माला लेकर गई इतने में देखा सामने उसी राज्य में ही हाथी बनकर आया था सामने वो हाथी को देखा वो हाथी को देख कर पहचान गया ये तो मेरे पूर्व जन्म में पति थे। लेकिन उन्होंने दीक्षा मंत्र नहीं लेने का नाते ये पशु जन्म में आए उसने बरमाला लेकर के सीधा किया कि वो सीधा हाथी के गले में माला डाल दिया। जब हाथी के गले में माला डाली इतने में दुनिया राजा लोग उठा से इतने बड़े बड़े राजा लोग बैठ गए कोई राजा सुहाई हाथी के गले में माला दिया जो राजा था अपने बेटी पुत्री ने क्या की हाथी के गले में कैसे माला दे दी बोले पिताजी ये मेरे पूर्व जन्म में पति है लेकिन मैंने नारद से दीक्षा मंत्र लिया है इसलिए मैं तो राजकुमारी बन करके आई हूँ लेकिन इन्होंने दीक्षा मंत्र नहीं दिया इसलिए हाथी जीवन में आ गई बेटी अभी क्या होगा बोले कोई चिंता मत करो नारद जी मेरे को बोले थे गुरु जी कोई जरूरत हो तो मेरे को बुलाना बोले बुलाओ गुरु जी को। इतने में उन्होंने गुरु जी को याद किया बोले गुरुदेव आप कृपा करके दर्शन दो तो याद किया ना फिर नारद जी चटा गए बोले बेटी क्या बात है बोले बेटी गुरु जी ऐसे ऐसे बात है मेरे पति अभी हाथी जीवन में आए फिर नारद जी बड़े दयालु थे फिर नारद जी फिर जब हाथी को सर पर हाथ रखे ना वो हाथी जन्म बदल गया इतने में उसने राजकुमार बनकर प्रकट हुआ और फिर उन्होंने उसके गले में माला डाली कहते राजकुमार राजकुमार सुना शादी होकर के जीवन में इसलिए यहाँ पर ये यम महाराज ये चार्ट बनाया हुआ है कहते हैं जब तू जो भगवत मंत्र से विष्णु मंत्र ने जो दीक्षा ग्रहण किया है उनको कभी भी उनके नरक में ले ही लाना इसलिए नियम है हमें भगवत मंत्र से दीक्षा ग्रहण करके गले में तुलसी और ये कंठी और तिलक हमें जरूर लगानी चाहिए। इसलिए जो तुलसी कंठी ये कोई लकड़ी नहीं ये सख्यात मां लक्ष्मी है और पृथ्वी का सबसे ज्यादा मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में विद्यमान है। अभी कोरोना आया था ना आप देखना कोरोना का सबसे पहला मेडिसिन किसने निकाला था पता है कभी रामदेव बाबा ने निकला था कोरोना ही आप उसको पढ़ करके देखना उसमें 80% तुलसी है 80% तुलसी इसमें पृथ्वी का सबसे ज्यादा मेडिसिन तुलसी में
कहते कोरोना सब जगह पे व्याप्त किया, लेकिन एक जगह पर ये कोरोना नहीं गया। बोले हिमाचल में एक गांव में कोरोना नहीं गया, वहाँ लोग मीडिया लोग पहुंच गए। बोले सारा दुनिया में तो कोरोना वहाँ के लोग आराम में घूम रहे। बोले कैसे देखा उसी गांव में हर घर घर में 15-15-20-20 तुलसी की पौधा, हर घर घर में तुलसी के वृक्ष पूजा हो रही है, इसलिए कोरोना का वहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए हमारी हिंदू संस्कृति में कहते हैं ना, हर घर घर में तुलसी की पूजा करो, तुलसी वृक्ष रखो। बहुत बड़ा साइंस उसके अंदर में, जिस घर में तुलसी वृक्ष है कि संख्यात माँ लक्ष्मी, देखना सालग्राम के साथ में शादी होती है। जब भगवान ये दुनिया छोड़कर गए, तुलसी में ही अपना स्वरूप कर गए, इसलिए तुलसी में पृथ्वी का सबसे ज्यादा मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में। इसलिए जब महाराज स्वयं कहते हैं, बोले ललाते तिलतम नास्ती कंठे नास्ती त्रिकंठिका, बोले जिनके गले में तुलसी की कंठी हो, जब लोग कह रहे हैं खबरदार उनको यहाँ नहीं लाना, समझ जाना ये ठाकुर का शरण लिया है। इसलिए जब महाराज एक उदाहरण देते हैं, कहते दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के कुत्ते हैं, और बोलो जोर से, एक पालतू और एक फालतू। कैसे पता चलता है ये पालतू फालतू? जो पालतू कुत्ते हैं देखना गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है इसी घर के कुत्ते हैं। और जो फालतू कुत्ते देखो बिन्ने पट्टे के जो रोड रोड घूमते हैं, देखना पालतू को तो कोई मारते नहीं और फालतू को कोई छोड़ते नहीं। इसलिए गले में तुलसी कंठी मतलब है हम बांके बिहारी के पालतू है। किसके पालतू है? हाँ ठाकुर का पालतू। इसके भैया फालतू मत बनाकर क्या बनाओ, भगवान की पालतू बनो। और जो तिलक है, ये तिलक का भी बड़ा महत्व है। साधारण मत समझो, तुम लोग तो हिंदू है, देखना जैसे कोई एक अच्छे काम के लिए बिजनेस के लिए जा रहा है, हमारे भारत में क्या करते हैं, तिलक लगा करके, विजय तिलक है, तिलक लगा करके भेजते हैं। घर में कोई पुजारी आता है पूजा कराने के लिए, देखना जब तक वो तिलक नहीं लगाएगा तब तक कोई पूजा नहीं करता है। इसलिए भगवान कृष्ण को देखो तिलक लगाए, राम को देखो तिलक, हनुमान जी को देखो तिलक, नारायण को देखना आधा मुंह तो नारायण का तिलक लगा हुआ, तिलक लगा हुआ देखो भाई। इसलिए ये तिलक की बड़ी महत्व है। शास्त्र ने बताए, बोले लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री हरिवल्लभा नित्य तस्यम भवेद देहे जस्य पद्माकित। जो व्यक्ति तिलक धारण करते हैं उसकी शरीर में लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री हरिवल्लभा गीता सीता सब उसको शरीर में, बोले गया गंगा कुरुक्षेत्र सारे तीर्थ रहते हैं। इसलिए ठाकुर क्यों तिलक लगाते हैं? जैसे यहाँ पर कोई सधवा बैठे हुए, कोई विधवा बैठे हुए, हमें कैसे पता चलता है कोई सधवा विधवा है? कैसे पता चलता है? सिंदूर लगाए, मांग भक्ति हो, मंगल सूत्र पहने हो, नाक में बेसन, हाथ में चूड़िया, देखने से पता चलता है कि नहीं ये सधवा है। भैया जब दो दिन की पति के लिए इतने श्रृंगार धारण कर लिया, पति का बना शादी से पहले कोई मतलब था? जब तक शरीर इसको बात में फिर खत्म, भैया दो दिन की संबंध के लिए जो इतने सारे श्रृंगार तुमने धारण कर लिया, लेकिन पति की पति जो परम पति है, पति के पति जो परम पति के लिए तुम्हारे शरीर में क्या चिन्ह है, क्या चिन्ह है? तुम ठाकुर को मानते हो, कहती है तिलक और कंठी ये दो चिन्ह है। जैसे पति को सामने जब पत्नी बड़ी सुंदर श्रृंगार करते हुए जाती है, पति खुश हो जाता है। अगर तुम्हारी पति है लेकिन तुम सारे सधवा का श्रृंगार को उतार दो, विधवा रूप धारण करके चले जाओ, बताओ पति तुम्हें स्वीकार करेगा कि नहीं? आप बोलो पति स्वीकार करेगा कि नहीं? बोलेगा मैं जिंदा रहते रहते तुम्हें मानता ही करेगा। और तुमको जब जगत का पति तुम्हें नहीं मानता है, तो परम पति जो पति का जो पति परम पति है, अगर गले में कंठी तिलक हो, भागवत कहता है अगर ठाकुर को सामने जाओगे ना, ठाकुर बोलेगा ये मेरी गोपी है। अगर गले में कंठी तिलक तुम्हारी नहीं है, ठाकुर तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे, बोले तुमसे मेरी कोई मतलब क्या, मेरे लिए तुमने क्या धारण करके रखे। इसलिए गले में कंठी तिलक हमारी होनी चाहिए, ये जब महाराज कहते। इसलिए आप लोग जरूर हरिनाम करो, गले में कंठी और तिलक दीक्षा मंत्र लेकर के कंठी तिलक को धारण करनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।
श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ देखो जदुनंदन प्रभु प्रतिपदा हमारे भाग्य से श्री जदुनंदन प्रभु हमारे बड़े गुरु जी की शिष्य है, बहुत भक्ति करते हैं, इनका बच्चे पूरा परिवार भगवान की भक्ति में बड़े गुरु जी के शिष्य है। ये थोड़ी सी आपको कथा सुनाए, एक मिनट हम थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, मेरे पीछे पीछे सबके सब ताली बजाते हैं कीर्तन करना। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रसुभान सत्य देवी प्रणमामि हरि वांछाकल्पवृक्ष कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमो विष्णुपदाय रूपपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायणेति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषज्ञ शून्यवादी पाशात देश कारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जो माता है आप वहीं पर बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ बाद में सर्वप्रथम मैं नित्य लीलाओं प्रतिष्ठा स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत गुरु महाराज के अभय चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हूँ उसके पश्चात अपनी संपूर्ण परंपरा के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हूँ व्यास कृपा श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी मेरे गुरु भाई सबके चरणों में मेरा यथा योग प्रणाम है। हरे कृष्णा। आज जो अशोक वासी हैं आप पर भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। शास्त्र कहता है कि जिस दिन भगवान जब कृपा करते हैं तो साधु से मिला देते हैं, भगवान के पास इससे बड़ी कोई कृपा नहीं, ये सबसे बड़ी कृपा है। अभी नाम की महिमा महाराज जी कितना सुंदर सुना रहे थे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। एक गाय जंगल में चरने गई, उसके पीछे शेर पड़ गया। शेर क्या करेगा उसका, गाय का क्या करेगा, छोड़ेगा, साफ कर देगा। अब अपना शरीर बचाने के लिए गाय भागी, तो आगे दंडल था, गाय दंडल में फंस गई, शेर भी पीछे भागा। शेर ने तो उसका अपना भोजन बनाना है, शेर भी दंडल में फंस गया, दोनों फंस गए, लेकिन पास पास है, दोनों क्या है, पास पास है। तो गाय ने कहा पीछे देख के शेर से कि भाई मैं तो बच जाऊं लेकिन तू मर जाएगा, मैं तो बच जाऊंगी लेकिन तू मर जाएगा। तो शेर ने कहा तू कैसे बच जाएगी, मरेंगे तो दोनों मरेंगे, निकलेंगे तो तू मरेगी मैं बचूंगा। तो गाय ने कहा देख हम दोनों दंडल में फंसे, ठीक है, मेरा एक स्वामी है, मालिक है, जब शाम को देखेगा मेरी गाय नहीं आई तो क्या करेगा, मुझे खोजेगा ना, खोजते हुए आएगा और आएगा तो मुझे तो बचा के ले जाएगा, लेकिन तू दंडल में फंस करके यही मर जाएगा। इसका इस उदाहरण का मतलब यह है कि जिन्होंने गुरु पद आश्रय नहीं किया, जिन्होंने गुरु पद आश्रय नहीं किया वो तो भाई फंसेंगे ही, सागर है ना, ये तो दंडल ही तो है, और क्या है भाई, ग्रस्त आश्रम क्या, दंडल ही तो है, सब दंडल में तो फंसे, एक परेशानी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, कोटि जन्मों से फंसे पड़े, लेकिन जिन्होंने गुरु पद आश्रय, हरि बोल, जिन्होंने गुरु पद आश्रय कर लिया तो फिर गुरुदेव की इच्छा, गुरुदेव की जिम्मेवारी बन जाती है उसको भव सागर से पार करने का। जैसे इसलिए जिन्होंने अभी तक इस ब्रह्म में रहे हैं कि हम बच जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा, काल सबको खा जाएगा, और उम्र का सर्टिफिकेट भी नहीं है कब आ जाएगा, कोई वायदा भी नहीं कर सकता मैं इतने दिन जीऊंगा, सब काल के रूप में और सब एक ही चीज में लगे हुए, जन्म लेने से जिस दिन जन्म होता है उसी दिन से जो यात्रा स्टार्ट होती है, अंत पर्यंत तक एक ही खोज में लगे रहते हैं कि आनंद, सुख और आनंद की खोज में पूरा जीवन ही तो निकाल देते हैं, कोई पत्नी में, कोई बच्चे में, कोई नौकरी में, कोई
फैक्ट्री में, कोई स्कूल में, कोई टीचर में, अगर कहीं किसी को मिल जाता तो कोई दूसरी जगह खोजता? इसका मतलब मिला नहीं, मिलेगा तो वहीं जहाँ होगा पूरा जीवन, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आईएएस हो, पीएस हो, मंत्री हो, संतरी हो, सब एक ही खोज में लगे हैं जन्म से और लास्ट तक, किसी को मिला नहीं। लेकिन मिलेगा तो वहीं जहाँ होगा, आनंद की कमी है क्या? मिलेगा तो यहीं जहाँ है वहीं खोजोगे तभी तो मिलेगा। जैसे भगवान का नाम का सच्चिदानंद घन आनंद, जहाँ आनंद है जब तक वहां नहीं जाओगे तो मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। जैसे बल्ब जल रहा है, बल्ब हरे कृष्णा, ठीक है, आर्यवाद। तो फिर आनंद के लिए क्या करना पड़ेगा? जहाँ आनंद है वहाँ टच होना पड़ेगा। कैसे? भगवान से टच होने का क्या रास्ता है? भगवान के जो भक्त हैं उनसे टच हो जाओ, भगवान के शास्त्र से टच हो जाओ, भगवान के धाम से टच हो जाओ, कहीं भी टच होगा तभी तो आनंद मिलेगा। आनंद मिलने के लिए जहाँ आनंद है वहाँ कहीं कनेक्शन तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। जैसे बिजली है, बल्ब जलाने के लिए इसमें होल्डर वगैरह सब लगा दो, इसको अगर कनेक्शन न करो, टच न करो पावर हाउस से, तो क्या होगा? जल जाएगा, नहीं जलेगा ना। जिनका संबंध भगवान से है उन लोगों के साथ में संबंध जोड़ना पड़ेगा तभी तो आनंद मिलेगा, वरना आनंद मिलने वाला नहीं है। और सब आनंद की खोज में, तब कौन कौन को आनंद चाहिए? सबको चाहिए ना, सब सही जगह पे आए हो। अभी आनंद आ रहा था ना, जैसे महाराज जी नाम की महिमा बता रहे थे। जैसे कोई व्यक्ति नाम कर रहा है जब, और एक गुरु के माध्यम से कर रहा है, इस चीज को समझना चाहिए। जैसे बंदूक की गोली होती है ना, बंदूक को गोली एक हाथ में लेकर ऐसे करके मारो और एक बंदूक में डाल के मारो, तो जो बंदूक में डाल के गोली लगेगी क्या होगा उसका? निशाना सटीक नहीं, बात कर देगा, काम सारा खत्म कर देगा। और हाथ की गोली से शरीर फटेगा, जाता है थोड़ा बहुत निकलेगा। इसीलिए जब हम सतगुरु की शरण में जाते हैं, वो अपनी शक्ति उस नामों में भर करके जब हमको नाम देते हैं, फिर वो नाम गोली की तरह काम करता है। अगर आपको विश्वास न हो तो उदाहरण से समझ लो, देखो नाम की कितनी महिमा है। एक बार भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी से किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि तुम कह रहे हो जो भगवान का नाम है हृदय में आनंद पैदा कर देता, आनंद पैदा कर देता है, कैसे कर देगा? तो उन्होंने एक उदाहरण दे के, बहुत अच्छा उदाहरण दे के समझाया। जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है, तुम उसको केवल कुत्ता बोल दो, कुछ मत बोलो। क्या बोलो? कुत्ता। जैसी जगत के दो कान, दो शब्द उनके कान के थ्रू हृदय में जाएंगे तो कैसा रिएक्शन करेगा? सर फाड़ देगा, फाड़ेगा नहीं फाड़ेगा, एकदम गुस्सा में आ जाएगा, बिखर जाएगा, लठ निकाल लेगा। तेरे बोला कैसे? जब जगत के शब्द कान के थ्रू हृदय में जाते हैं तब हमारे हृदय में उथल पुथल कर देते हैं, तो ये प्रभु गोविंद का जो नाम है, जो आनंद का सागर है, अगर वो कानों के थ्रू जाएगा तो क्या होगा? हृदय में आनंद होगा नहीं होगा? जैसे एक माँ अपने बच्चे के प्रति कितना स्नेह होता है, कितना प्रेम होता है उसका, कितना प्रेम होता है अपने बच्चे के लिए, बहुत प्रेम होता है। ऐसी कोटि माओं का जो स्नेह प्रेम अगर कितना कर दिया जाए, भगवान के हृदय में उससे भी ज्यादा प्रेम है, और वो प्रेम नाम के थ्रू ही होगा। वो प्रेम कैसे होगा? नाम के थ्रू होगा। और नाम लेने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? किसी साधु की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए सावधान, काल का इंतजार मत करना उम्र का, कि अभी हम बचपन है या 20 साल या 30 साल के हैं या 50 साल के हैं, अभी तो 5-7 साल और जीत जाएंगे। सब काल के मुंह में, कब किसका नंबर आ जाए,
कुछ पता नहीं है, इसलिए सावधान हो जाओ और आ जाओ, नहीं तो फिर गाय गाय तो बच गई, सेब तो मरेगी, मरेगा मरेगा नहीं, ऐसे मर जाओगे दंदल में, निकलने वाले नहीं है। और देखो नाम की ये जो महिमा है, शास्त्र में कहा है कि कोई व्यक्ति एक कल्प तक तप करे, हमारी उम्र कितनी है, 50, 60, 70 लास्ट, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा नहीं है। शास्त्र में कहा है कि कोई एक कल्प तक तप करे उसका फल कितना करो, कोई व्यक्ति सुमेरु पर्वत की बराबर सोना दान करे, 10 ग्राम दान करने में भी हालत खराब हो जाती है, कितना महंगा है पता है, सुमेरु पर्वत तो बहुत बड़ा है, कर दे कोई बात नहीं, करे उसका फल कितना करो, कोई कोटी गाय दान करे उसका फल कितना करो, ये सारा फल कितना कर लो। और कोई व्यक्ति एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको मुख से बोल दे, इसके तुल्य नहीं हो सकता, इसके बराबर नहीं हो सकता, इतनी महिमा है इस भगवान के नाम की। अभी पता नहीं है, पता जब लगेगी, महाराज जी बता रहे थे ना, जब यमदूत आएंगे, क्या कमाया और क्या कमाया, अभी जो कमाई है ना, कमाई तब पता लगेगी भाई कमाईया ज्यादा ही, जब यमदूत आएंगे, अभी पता नहीं लगी, इसलिए सावधान हो जाओ। जब भगवान जब कृपा करते हैं तो साधु से मिला देते हैं, यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। भगवान के भक्त आते हैं, चलो भाई कथा हो रही है, आ जाओ महाराज जी आ रहे हैं, भगवान डायरेक्ट आके कहेंगे कि चल भाई चल मेरे धाम को आ जा, हम तो भगवान को जानते नहीं है, इसलिए गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जबकि जो काम भगवान नहीं कर सकते वो गुरुदेव करते हैं, भगवान कभी बातचीत करते हैं कभी बोलते हैं, नहीं बोलते तो बातचीत करते हैं, भगवान अपने को नहीं दे सकते लेकिन गुरुदेव भगवान को दे देते हैं, इस नाते से तो भगवान से भी बड़े गुरु होते हैं, भगवान अपने को नहीं दे सकते लेकिन गुरुदेव दे देते हैं। इसीलिए आप लोगों को चांस है, बड़े सौभाग्यशाली हो, कहते हैं वही दिन शुभ होता है जिस दिन साधु का दर्शन हो, भगवान की कथा मिले, भगवान का दर्शन मिले, भगवान का प्रसाद मिले, वही दिन हमारे जीवन का शुभ है। और बस 5-6 कल गुरुवच कृपा सिंधु जय पति नाम पावन जो बहन अभी भगवान श्री आज सारे ठाकुर जन्म लेने वाले, अभी भगवान नरसिंह जन्म लेंगे, अरे भगवान बामन जन्म लेंगे, फिर लास्ट में भगवान श्री वाल्के बिहारी जन्म लेंगे, बोले श्री वाल्के बिहारी लाल जैसे माई को हरे कृष्ण हरे कृष्ण वंदे गुरु पदद्वंदम भक्तवृंद समन्वितम श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम श्री नंदनंदनम वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपीजन परिवृतम वृंदावन मनोहरम वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद सभी पर हाथ उठाकर बोलिए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराधितम श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली सभी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम। गुरुदेव का आदेश भागवतम के सप्तम स्कंध में वर्णित श्री नरसिंह देव की कथा को कहने के लिए, देखो भागवतम के अलग अलग स्कंध का अलग अलग लक्षण बताया है और ये जो सप्तम स्कंध है विशेष करके इसका लक्षण है कुटी,
अर्थात कर्म वासना। देखो कोई भक्ति आप देखेंगे एक ही घर में एक ही माँ के गर्भ से दो बच्चे जन्म लिए हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है, इसलिए दोनों की वासना अलग अलग होती है। क्यों कहते हैं ये कर्म वासना का मूल कारण है महत कृपा और महत अनुग्रह। हिरण्यकशिपु ये राक्षस जन्म क्यों लिया, क्योंकि चतुसन इंद्रियों पर क्रोधित हो गए थे, संत के अभिशाप से हृदय में काम वासना हृदय में अशुभ वासना प्रकट होती है, और यदि संत की कृपा हो जाए मातृगर्भ में थे प्रहलाद महाराज लेकिन फिर भी नारद जी की कृपा हो गई साधु की कृपा हो गई संतों का आशीर्वाद मिल गया तो भक्तों में शिरोमणि हो गए। इसीलिए साधु की कृपा की सब समय आशा करनी चाहिए, उसका ही एकमात्र हमें आसरा होना चाहिए। वर्णन आता है जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए गया था 60,000 सालों तक उसने तपस्या करी हाथ जोड़कर ऊर्ध्वमुखी होकर सूर्य की ओर देखते हुए और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए दिव्य 60,000 सालों तक तपस्या करी। पूरे शरीर को दीमक ने खा लिया लेकिन फिर भी अटल तपस्या। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर भृगु आदि देवताओं के साथ में प्रकट हुए लेकिन जब खोज रहे हैं हिरण्यकशिपु को देखने को ही नहीं मिल रहा, सारा शरीर तो दीमक ने खा लिया, पेड़ पौधों द्वारा जो अस्थि थी वो भी आवृत हो गई। लेकिन सतयुग की बात है उस समय पर अस्थिगत प्राण थे मज्जा में जो हड्डी थी उसके अंदर प्राण रहते थे इसलिए बचा हुआ था जीवित था और निरंतर जप कर रहा था। अभी ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से जल लेकर और जब छिड़क दिया कहने लगे कि वरम ब्रूही मैं प्रसन्न हूँ क्या चाहते हो। हिरण्यकशिपु ने कहा आप मुझे अमर बना दो, असुर है ना इसलिए अमर होना चाह रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं खुद अमर नहीं हूँ तुमको कहाँ से दूंगा, अरे हमारे पास में 100 रुपए हो तो आप किसी को दान देने के लिए उससे कम ही प्रदान करेंगे, अगर भिखारी तुमसे 200 रुपए की याचना करे दे पाओगे। ब्रह्मा जी ब्रह्म पत्नी को प्राप्त करने पर भी वहां पर स्थिर नहीं है, उनको भी नीचे आना पड़ता है। एकमात्र यदि कोई चेष्टा करके भगवान के धाम को चले जाए, स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। हे अर्जुन यदि कोई एक बार मेरे धाम में आ जाए ये एक ऐसा स्थान है यहाँ से कभी वापस जाना नहीं पड़ता, लेकिन देवी देवताओं की पूजा करते करते अगर उनके लोक को भी चले जाओ वहां से वापस नीचे गिरना पड़ेगा। इसीलिए पूजा करना हो तो केवल मात्र कृष्ण की पूजा करो। ब्रह्मा जी ने जब ऐसा कहा कि मैं अमर वर नहीं दे सकता, हिरण्यकशिपु ने बड़ी बुद्धि लगाकर कहने लगा मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं, किसी मनुष्य से ना मरूं, किसी पशु से ना मरूं, मैं घर में ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं, आकाश में ना मरूं, जमीन पर ना मरूं, आपके द्वारा सृष्टि किए हुए किसी प्राणी से ना मरूं, किसी अस्त्र से ना मरूं, किसी शस्त्र से ना मरूं, सब आप जानते हैं कितने उसने वर मांग लिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। अभी वापस आकर इतना उत्पात मचाने लगा है, सारे साधुओं को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दिया, जो भी विष्णु भक्ति करते थे उनकी हत्या कर देता था, गैया ब्राह्मण पृथ्वी सभी पर अत्याचार करने लगा, स्वयं पृथ्वी समस्त देवताओं को लेकर दुखी होकर भगवान के पास निकली। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, उनकी व्यवस्था को जानकर और कहने लगे यथा देवेशु देवेशु गोसु साधुषु विप्रेषु धर्मे मही च विद्वेष सवे आशु विनश्यति। बोले देवताओं तुम चिंता मत करो, यदि कोई पृथ्वी पर गैया पर देवताओं पर वेद पुराणों पर और यदि कोई ब्राह्मणों पर अत्याचार करता है मैं उसको कदापि सहन नहीं करता, मैं निश्चित रूप में अवतीर्ण होकर और तुम्हारा कल्याण करूंगा, तुम्हारे सारे दुख को मैं दूर कर दूंगा। यदि हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद के ऊपर अत्याचार करेगा निश्चित रूप में मैं उसे मार दूंगा। अभी प्रश्न करते हैं कि हिरण्यकशिपु उसकी संतान है प्रहलाद, अरे अपने बेटे को कोई ताड़ना पीड़ना करता है उसके ऊपर कोई अत्याचार करता है, प्रहलाद ने आखिर ऐसा क्या था कि पिता भी उसके विद्रोही हो गए। प्रहलाद महाराज के यद्यपि अनेक गुण है, देखो साधारणतः क्या देखा जाता है शिष्य गुरु जी की महिमा गान करता है, ऐसा ही होता है ना, इस जगत में प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य है गुरुदेव की महिमा गान करके और अपना जीवन वाणी को कृतार्थ कर ले। लेकिन नारद जी यहाँ पर प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, गुरु होकर शिष्यों के गुण का वर्णन कर रहे हैं कि नारद जी कहते हैं प्रहलाद महाराज के तो अनेक गुण थे
लेकिन जन्म से ही उनको ना एक ग्रह ने ग्रसित कर लिया। विचार करके देखो, ये नौ ग्रह यदि किसी को लग जाए, कोई झाड़ा फूंक करके, कुछ पूजा इत्यादि करके उसे हटाया जा सकता है, लेकिन प्रहलाद महाराज के ऊपर दशम ग्रह विराजमान था। कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा न वेद जगदीशम। नारद जी कहते हैं ये कृष्ण रूपी ग्रह है ना, ये प्रहलाद महाराज को बचपन से ग्रसित कर लिया, जिसकी मति ये कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रास कर ली है वो और भैया कहीं का नहीं रहता। ऐसा लगता है आप लोगों के ऊपर भी वही कृष्ण रूपी ग्रह लग गया है थोड़ा थोड़ा, इसीलिए घर बार सब छोड़ छोड़ के तीन तीन चार चार घंटे यही बैठे रहते हो, कृष्ण कथा सुनने में आ रहे हैं। कृष्ण ग्रह काला रंग चलेगी तुम्हारी। देखो ये कृष्ण ग्रह, ये भगवान का ग्रह, ये ऐसा एक ग्रह है साधारणतः किसी पे चढ़ता नहीं, लेकिन अगर एक बार चढ़ जाए तो वो उतरता नहीं है। प्रहलाद महाराज के अनेक गुण हैं, लेकिन नैसर्गिक वासुदेव भक्ति यथा वर्णन करते हैं कि इनकी भगवान के प्रति स्वाभाविक भक्ति थी। हम तो बड़े कष्ट करके सुबह सुबह यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि कर लें, तिलक लगाकर आचमन करके शुद्ध आसन पर विराजमान होकर भगवान का चिंतन करने को बैठते हैं, कष्ट करके भी भगवान में मन नहीं लगता, लेकिन प्रहलाद महाराज का सब समय भगवान में मति, नैसर्गिक की मति, चेष्टा करने पर भी भगवान से मति हटती नहीं, इतने सर्वश्रेष्ठ भक्त। लेकिन एक समय जब विद्यालय से वापस आए थे, पिताजी ने प्रश्न करने लगे, बोले देखो प्रहलाद, तुम विद्यालय में सबसे अच्छी बात क्या सीखे हो वो मुझे बताओ, जो भी तुम्हें सबसे अच्छा पाठ लगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्वेग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात् पाकं गृहं मन्दकूपं वनं गतो यद्धर्माश्रयेत। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं तो हे असुर श्रेष्ठ, पिताजी नहीं बोल रहे हैं, हिरण्यकशिपु कहते हैं हे असुर श्रेष्ठ, मैं तो उसी को ही साधु मानता हूँ जो घर जंजाल को परित्याग करके और वनं गतो यद्धर्माश्रयेत, वन की ओर चला जाए, भगवान हरि का आश्रय ग्रहण करे। शास्त्र कहता है जो लोग घर गृहस्थी के अंदर फंसे हुए हैं ना, ये अंधा कुआ है। लेकिन प्रश्न उठता है, अगर हम ठाकुर जी के घर में सेवा पूजा करें तो क्या वो भी अंधा कुआ है? नहीं। इसलिए दो तरह के कुएं बताए। एक कुआ ऐसा कुआ है जहाँ पर पानी नहीं है, पानी खत्म हो गया है, उसके अंदर सांप बिच्छू जहरीले सारे विषधर निवास करते हैं और उसके ऊपर भी पेड़ पौधे कांटों से आवृत हो गया है। अभी कोई भटकते भटकते यदि उस कुएं के अंदर गिर जाए, वहां से बाहर निकल सकता है? वहां से बाहर निकलने कोई चारा है? कता भी नहीं, उसकी आवाज भी कोई सुन नहीं पाएगा, विषधर सर्प वहां पर है, उसे डस के वहीं पर खा जाएंगे। लेकिन ऐसे ऐसे कुछ कुएं होते हैं जिसके अंदर पानी होता है, उसके यहाँ पर लोग पानी लेने के लिए जाते हैं, पनिहारियां वहां लेकर अपने घरे पहुंच जाती है। अगर ऐसे कुएं में कोई पड़ा हुआ हो, वहां से उद्धार पाने का रास्ता है, यदि कोई गिर जाए रस्सी फेंक के और उसको निकाला जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जो ठाकुर को लक्ष्य करके, भगवान को लक्ष्य करके और अपना ग्रह बांधते हैं वो तो गृहस्थ आश्रम में है, लेकिन जो लोग केवल मात्र स्त्री को लक्ष्य करके और अपना घर संसार बांधे हुए हैं, घर में आटा दाल चावल है कि नहीं, पत्नी को क्या चाहिए, बच्चों की क्या डिमांड है, इन्हीं सब को लेकर व्यस्त रहते हैं, भगवान भगवान से कोई मतलब नहीं। ऐसों को बताया गृहम अंधकूपम, वो सारे ग्रह मेदी हैं, ग्रह को ही व्रत मान लिया, घर बाड़ी को ही अपना व्रत बनाकर बैठे हैं, ऐसे लोगों का कल्याण कभी संभव नहीं है। पिताजी को जब इस तरह से उपदेश देने लगे, हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया, लेकिन द्रोह आचरण नहीं किया। शंड और अमर उनके जो गुरु जी थे उनसे प्रश्न करने लगे, बोले ये क्या सीखता है, ये क्या बोल रहा है, अरे तुम इसे राजनीति कूटनीति सिखाओ, असुर लोग जिस तरह की शिक्षा में शिक्षित होने चाहिए वैसी शिक्षा दो, कहां ये विष्णु भक्ति की बातें कर रहा है। शंडमर कहने लगे कि चिंता मत कीजिए, हम इसे समझा देंगे। एक समय वापस जब प्रहलाद महाराज कुछ समय के बाद में आए हैं, पिताजी फिर प्रश्न करते हैं, बोले सबसे उत्तम विद्या सिखाओ, सबसे उत्तम तुमने क्या सीखा वो मुझे बतलाओ। प्रहलाद महाराज उस समय पर नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं और नवदा भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, इसलिए कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, एक अंग साधे केवा साधे बहु
अंग कृष्ण प्रेम जन्म आए हर अल्प सांग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम कीर्तन। अरे कोई अगर ठाकुर की कथा सुने, कथा सुनने से भी उद्धार है। परीक्षित महाराज ने 7-7 दिन तक केवल कथा ही तो सुनी थी और कुछ किया, लेकिन सुनने से उद्धार हो गया। श्री सुखदेव गोस्वामी केवल मात्र कीर्तन किया, उससे भी उद्धार हुआ। लक्ष्मी केवल मात्र चरण सेवा करती है, उससे भी उद्धार है। एक अंग साधे केवल साधे बहु अंग, लेकिन भगवान की भक्ति के प्रत्येक अंग में इतनी शक्ति है। कृष्ण प्रेम जन्माए तार अल्प संग, कृष्ण प्रेम हृदय में उदित हो जाएगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ रूप में श्री नाम संकीर्तन। भगवान नाम यदि किसने जप कर लिया, समझ लो सब करना हो गया। और कुछ करो या मत करो, लेकिन ठाकुर जी का नाम जपना चालू कर दिया, नाम संकीर्तन का यदि आश्रय ले लिया, तब तो मंगल ही मंगल। प्रहलाद महाराज बड़े सुंदर रूप में शिक्षा देने लगे कि मेरी मति कृष्ण में किस तरह से लगी है और तुम लोगों की मति कृष्ण में क्यों नहीं लगती। हिरण्यकशिपु को क्रोधित होकर जब प्रश्न करता है कि तेरी मति इस तरह से विष्णु भक्ति में कैसे लग गई, तेरी ऐसी दुर्बुद्धि कैसे हो गई। देखो विचार करो, बच्चे यदि भजन करते हैं तो माता पिता क्या कहते हैं, बोले तेरे दिमाग खराब किसने कर दिया, अभी से तेरी कोई भजन करने की उम्र है। अरे उस समय में तो सच में एक ही हिरण्यकशिपु था जिसने प्रहलाद महाराज को भजन करने नहीं दिया, लेकिन आज प्राय देखा जाता है माता पिता ही हिरण्यकशिपु बने हुए हैं। बच्चा यदि सड़क पे बैठ के सिगरेट पिए, दोस्तों के साथ में अड्डा मारते हुए और इधर उधर भ्रमण करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा माला लेकर नाम जप करने लग गया, ललाट में तिलक लगा दिया, ऐसे को सब कोई टोकने लग जाते हैं। हिरण्यकशिपु कहता है कि तेरी बुद्धि खराब किसने कर दी, विष्णु भक्ति का पाठ किसने पढ़ाया तुझे। प्रहलाद महाराज 3 श्लोकों में खूब सुंदर उत्तर देते हैं कि मेरी मति कृष्ण में कैसे लग गई और तुम लोगों की मति क्यों नहीं लगी। मतेर्न कृष्णे परतो स्वतो वा मिथो विपद्ये गृहावृतानां अदांत गोभीर्विशतां तमिश्राम पुनः पुनश्च वितचर्वणानां। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कृष्ण के चरणों में मति लगाना खुद से नहीं होगा। यदि कोई सोचे कि मेरे घर में तो गीता भागवत रामायण सब है, मैं पढ़ लूंगा और भगवान में मति लग जाएगी, बोले नहीं, मति न कृष्ण स्वतः खुद से नहीं होगा। बोले परत यदि कोई गुरु हो वो यदि हमारी मति लगा दे, बोले हाँ सदगुरु है तो हो सकता है, लेकिन असदगुरु जो ग्रह मेदी जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे असदगुरु के द्वारा लगाने पर भी नहीं लगेगी। बोले मिथो अर्थात दोनों यदि चेष्टा करें, बोले तब भी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या कर रहे हैं, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, अरे चबाए हुए को चूसे हुए को वापस चूस चूस के उसके अंदर से रस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क पे कहीं पे कुत्ता घूम रहा था, उसको एक सूखी हड्डी मिल गई, वो सूखी हड्डी को अभी चबाने लगा है, सूखी हड्डी पे लेकिन कुछ मांस नहीं है, उसको कुछ रस नहीं आ रहा, लेकिन चबाते 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 दांतों में से खून निकलने लगा और उस खून का ही आस्वादन कर रहा है। वो रक्त आस्वादन करते करते सोचता है कि वाह हड्डी में कितना रस है। जब दूसरा कुत्ता उसको देखता है, चपट के उससे वो हड्डी छीन लेता है, अभी वो चबाने लगता है, फिर वापस चबाते चबाते वही खून का आस्वादन कर रहा है, लेकिन मन होता है कि कितना रस है हड्डी में। ये संसार का विषय भी कुछ ऐसा ही है, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। अरे विचार करके देखो, आज के समय पे युवा अवस्था की जैसी मानसिकता होती जा रही है, विदेशी लोग जिस चीज को चूस चूस कर फेंक चुके हैं, वो जिस इंटरनेट को
वो जिस हाई क्लास सोसाइटी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतों, नई गाड़ियों, इन सबको छोड़कर और आध्यात्मिक संस्कृति के प्रति धावित हो रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसी को चूस चूस कर, उसी को चबा चबा कर उसमें से रस लेने की चेष्टा करते हैं। अरे विचार करके देखो, पहले के समय पर बैलगाड़ी थी, शुद्ध साफ रोड थे, गंदे रोड थे, हाँ बैलगाड़ी से जब चलते थे गोबर करते करते रोड गंदे हो जाते थे, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, बोले कार निकाली, कार निकालने से क्या हुआ, बोले सड़क साफ हो गए और बड़ी जल्दी भी पहुंचने लगे, सड़क तो साफ हो गए लेकिन हृदय दूषित हो गया, एनवायरमेंट, ये पूरा वातावरण इतना प्रदूषित हो गया कि सिगरेट ना पीने पर भी सिगरेट पीने का फल मिल जाएगा। दिल्ली जैसे महानगर में अगर कोई रह रहा है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि आपको सिगरेट पीने का फल अनायास ही मिल जाएगा, पीने की जरूरत नहीं है। तो विचार करके देखो, हम क्या सोचते हैं, दादाजी तो किसी सूखे घर में रहते थे, कच्चा मकान था, लिपा पोती करके रहते थे, इसलिए बड़े दुखी थे। हमारे पिताजी लोगों ने सोचा कि पक्का घर बनाएंगे, सीमेंट का घर होगा, पत्नी को बार बार गोबर में हाथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से एसी वेसी लगा कर रहेंगे, लेकिन इतना पढ़ने पर भी क्या सुखी हो पाए। हम विचार करते हैं कि पिताजी ने तो छोटा मोटा घर बनाया था, हम बड़ा राजमहल बनाएंगे, बंगलो बनाएंगे, उसके अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां, लंबोर्गिनी, मर्सिडीज, पोर्शे सब बाहर खड़ी होगी, घर में नौकर चाकर काम करेंगे, लेकिन इतना करने पर भी सुख नहीं मिलता, इतना करने पर भी सुख नहीं मिलता, क्यों, पुनः पुनः चरवित चर बनाना, चूसे हुए को, चबाए हुए को ही हम चबाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ सुख है भगवान के चरण कमल में वहां नहीं देखकर केवल मात्र विषयों में सुख ढूंढते हैं, कभी सुख मिल नहीं सकता। प्रहलाद महाराज इस प्रकार अपने पिताजी को समझा रहे हैं कि आप ग्रह मेटी हैं और आपके जो गुरु शुक्राचार्य शंड और अमर, नाम ही देखो कैसे हैं, शंड अर्थात सांड, अमर अर्थात बंदर, तो ये सांड और बंदर के समान जो दोनों गुरु हैं ये कभी भी मति कृष्ण में नहीं लगा सकते, इसलिए शास्त्र वर्णन करता है, देखो गुरु ग्रहण करो तो बड़े सोच विचार करके, पानी पिया छान के, गुरु करो जान के, हम बाकी सारी जब चीजें करते हैं ना तब तो बहुत सोच विचार करते हैं, लेकिन जब गुरु ग्रहण करना हो उस समय पर विचार नहीं करते, उस समय पर शास्त्र में क्या पढ़ रहे थे उस बात का विचार नहीं करते। शास्त्र कहता है तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु शय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपशमाश्रयम्। शास्त्र वर्णन करता है अगर गुरु ग्रहण करना हो उस गुरु के तीन लक्षण हैं, बड़े ध्यान देकर सुनिए, एक सदगुरु के तीन लक्षण होने चाहिए, बोले क्या क्या, उसे शास्त्र का सारा ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो शिष्य कोई प्रश्न करेगा गुरुदेव उत्तर ही नहीं दे पाएंगे, शास्त्र में निपुण होना चाहिए, सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, बोले क्या यही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, बोले नहीं, उसको शास्त्र के ज्ञान तो देखो एक साधारण पंडित को भी हो जाता है, संस्कृत में एमए पीएचडी कर लो, शास्त्र पढ़ सकते हो, ज्ञान हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ उसे भगवान की अनुभूति होनी चाहिए, स्वयं भजन करने वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं व्यास आसन पर विराजमान होकर और केवल मात्र उपदेश ही दे रहा हो, अपने जीवन में कुछ भजन भजन ना करता हो, ऐसा गुरु गुरु नहीं हो सकता। शास्त्र के ज्ञान के साथ साथ भगवान की अनुभूति भी जरूरी है, और ये भगवान की अनुभूति ही उसको संसार से विरक्त बनाएगी, संसार के विषयों में लिप्त नहीं रहेगा। कभी कभी देखा जाता है शिष्य से ज्यादा गुरु ही संसार में आसक्त है, ऐसे गुरुदेव लेकिन किसी का कल्याण नहीं कर सकते, ऐसे गुरुदेव शिष्य को कभी भी कृष्ण तक पहुंचा नहीं सकते, लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में एलम खेला, ऐसी अवस्था होगी, अगर असल गुरु ग्रहण किया वो कभी भी उद्धार नहीं कर पाएगा, सदगुरु चरण आश्रय यदि हमने ग्रहण किया तब जाकर ही मंगल होगा। बोलो श्री गुरुपाद पद्म की। प्रहलाद महाराज ने बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए, यदि कोई साधु के चरणों में अभिषिक्त हो जाए तब जाकर भगवत प्राप्ति कर सकता है। हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया, गोद से उठाकर फेंक दिया और कहने लगा मार दो इस बालक को, इसको कृष्ण भक्ति का रोग चढ़ गया है, और ये रोग भी ना संक्रामक रोग है, ऐसा कोरोना वायरस है सब तरफ फैल जाएगा, इसलिए क्या करो मार दो इसे।
अरे शरीर का कोई अंग यदि सड़कल जाए उसके कारण पूरा शरीर मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, बेहतर है उस अंग को काट दो, बचा कुचा शरीर तो रहेगा। ठीक उसी प्रकार ये मेरा पुत्र है लेकिन विष्णु भक्ति का रोग लग गया है, इसे मार देना ही अच्छा है। कितनी चेष्टा करी, सर्पों से डसवा दिया, आग में जलाने की कोशिश करी, पहाड़ों से फेंक दिया, लेकिन राखे हरी मारे के, सुन रहे थे ना, जाके राखे साईया, हाँ भगवान स्वयं रक्षा कर रहे हैं। गोविंद परिरंभितम, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जिसको भगवान रक्षा करने वाले हो उसका बाल भी कोई कैसे बिगाड़ सकता है, कोई बाका नहीं कर सकता। 21 दिन तक प्रहलाद महाराज को खाने को नहीं दिया, एक गुफा में बंद कर दिया। हिरण्यकश्यपु सोच रहा था कि अब तो मर गया होगा, जैसे ही गुफा खोलकर देखी सोचने लगा प्रहलाद महाराज वहां पर जीवित है। अंततः प्रहलाद महाराज से इतने क्रोधित हो गए, पूछने लगे कि तेरे किसके बल से इतना बलवान हो रहा है। बोले आप जिससे बल प्राप्त करते हैं मैं भी उसी से बल प्राप्त करता हूँ। बोले तेरा भगवान है कहाँ, मेरे सामने क्यों नहीं आता। बोले वो तो सब जगह विराजमान है। प्रश्न करने लगे क्या इस स्तंभ में भी है। बोले हाँ वयम तु दृश्यते, मुझे तो दिख रहा है। हिरण्यकश्यप ने उसी समय पर एक मुष्टि का घात मारा और स्तंभ वहां पर चूर चूर हो गया। विकराल रूप धारण करके साक्षात नरसिंह देव वहां पर प्रकट हो गए। श्री नरसिंह देव भगवान की उद्यत वंदे दिदिन झटित झट झटा नाथ नाद्यम स्फटानम अनन्य दृष्टा नर नर नरडो डंबरु डंबराट्यम झम 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 झंक झंक झमित झम झमा झंक झंकार घोरम पायत काल किलित किलकिला चक्र हस्तो नरसिंहा। मतलब भगवान नरसिंहदेव की जय। नरसिंहदेव ने बड़ा विकराल रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, प्रहलाद महाराज पर कृपा करी। अंततः भगवान स्वयं हाथ जोड़कर कहते हैं बोले हे प्रहलाद तू मुझे माफ कर दे, मुझे आने में बड़ी देर हो गई। भक्त वत्सल भगवान आज भक्त के सामने याचना कर रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दे, लेकिन प्रहलाद कहने लगे नहीं प्रभु मैं आपकी भक्ति करता हूँ और मेरी भक्ति का उद्देश्य आपसे कुछ मांगना नहीं है। जो भक्ति करके विनिमय में कुछ मांगते हैं वो तो व्यवसायी हैं, इसीलिए आप केवल मात्र मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। नरसिंहदेव कहने लगे कि तेरे जैसा पुत्र जिस कुल में जन्म हुआ हो जिस घर में जन्म हुआ हो उसकी तो पिताजी की बात क्या 21 पीढ़ी उद्धार हो जाएगी। कितनी 21। हाँ खानदान में यदि हमारे परिवार में कोई भक्त जन्म लिया हो भगवान के भक्ति में अपनी संतान को नियुक्त करने का कितना प्रभाव है विचार करके देखिए। प्रहलाद महाराज को स्वयं नरसिंहदेव आश्वासन दे रहे हैं, त्रिशक्त भी पिता पूत पितृ भी सहते अनल यत् साधुस्य गृहे जात भवान वे कुल पावना। त्रिसप्तमी अर्थात 21 पुरुष तुम्हारे उद्धार हो गए हैं, पिताजी की चिंता मत करो वो तो निश्चित रूप में भगवत धाम को चले जाएंगे। इस तरह से भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज के ऊपर कृपा करी। बोलो भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त प्रदर्शन प्रहलाद महाराज की जय। गौर प्रेमानंद अभी भगवान से नरसिंह देव अभी बामन देव आ रहे हैं। बामन देव तैयारी है, भगवान बामन देव तैयारी है, हो गया तैयारी। ठीक है 5 मिनट बोला। हरे कृष्णा बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय
कश्यप महामुनि ने उनको उपदेश करते हुए बोले कि पयोव्रत करो। बोले पयोव्रत कब
आदि प्रदान की, वहां पे पृथ्वी देवती पृथ्वी देवी वहां पे ठाकुर जी को खड़ा हो प्रदान किए और जितने भी वहां पे देव थे उसको कृष्णि करने लगे, संत ध्वनि करने लगे, दुंदुभी आदि वाद्य होने लगा और उसी स्थान पे स्वयं दक्षराज अपने भिक्षा पात्र को प्रदान किया और स्वयं अन्नपूर्णा भगवती देवी ने अपने हाथों से महादेव को भिक्षा दिया। बल भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही बामन देव भिक्षा ग्रहण करते हैं, नियम है भिक्षा करने के बाद सबके सब गुरुदेव के चरण में दे देना चाहिए। सारे के सारे देवगुरु बृहस्पति के चरणों में दे दिया। अब देवगुरु बृहस्पति बोले इतने में काम नहीं चलेगा, इस समय त्रिभुवन का संपत्ति बलि के पास है, जाके उनके पास से ले आओ। सारे के सारे द्रव्य ग्रहण करके भगवान बामन देव बड़े सुंदर बटुक ब्राह्मण क्षत्रिय कमंडल धारण करते हुए प्रभु प्रभु का चरणाम कर एक स्थान पे भगवान बामन देव गए, नर्मदा नदी के तट पे, जहाँ पे 100 यज्ञों के आयोजन चल रहा था, 100 यज्ञ का पूर्णाहुति होने वाला था। उसी समय भगवान बामन देव जाके बलि महाराज की यज्ञशाला में प्रकट हो गए। बलि महाराज जी तो दूर से देख के ब्राह्मण देव को प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं, चरण धोते हैं, चरणामृत सबको देते हैं। यद्यपि असुर हैं फिर भी ये बलि महाराज जी किसके कुल में आए हैं? बलि प्रहलाद महाराज जी के कुल में आए। यद्यपि असुर होने पर भी अगर कुल में अगर कोई भक्त हो तो उनका प्रभाव पड़ता है। तब बलि महाराज जी बोलते हैं कि हे बामन देव, आप कृपा करके कुछ वर मांग लीजिए। काम कांचन गुणवत् धाम मुश्री तत्मान पेय अथवा विप्र कन्या ग्रामान समृद्ध सुरवान गजाम्बा तत्वावर्तम संप्रतीक्ष। काम कांचन गुणवत्ता, हे बामन देव, गाय चाहिए गाय दे दूंगा, सोना चाहिए सोना दे दूंगा, घर चाहिए घर दे दूंगा, मकान चाहिए मकान दे दूंगा, जमीन चाहिए जमीन दे दूंगा। लग रहा है आप बोने हो छोटे हो, अगर आप बोलोगे अथवा विप्र कन्या, कहीं से एक ब्राह्मण छोटी सी लड़की को आपके हाथ में आला के दे दूंगा, शादी करवा दूंगा, सब वस्तु आपको प्रदान कर दूंगा, आप वर मांगो। तब इतने में बामन देव कहते हैं मैं बड़े संतोषी, अगर वर देना चाहते हो तो पदा नित्रीणि दत्यन्त संवितानि पदाम्ब, मेरे इस पग से हे बलि तुम तीन पद भूमि दे दो। इतने में बलि महाराज जी तो ठाका मार के हंसने लगे, ठाका मार के हंसते हंसते बोल रहे हैं कि प्रभु आप इतने देर से तो मुंह तक बोले, अब मांग भी रहे हो तीन पद के भूमि। मैं बलि महाराज जी हूँ, इस समय सारे संपत्ति सारे स्वर्ग मोक्ष सब स्वर्ग के जितने भी भोग और त्रिभुवन के सारे वस्तु मेरे पास है। लोग क्या कहेंगे, बामन को तो मांगने नहीं आता था, क्या बलि को देना नहीं आता था? लोग ये मुझे अपवाद देंगे, प्रभु आप और कुछ मांग लो। भगवान बामन देव तो अपने वाक्य पर अटल रहे, अब बलि को कह रहे हैं संकल्प करो। तो बलि तो बच्चा के मारे सर को नीचे झुका के बोला है, प्रभु संकल्प क्या करना, एक तो थोड़े ही द्रव्य मांगे और उसमें भी संकल्प मापना है तो नाप लो। भगवान कह रहे नहीं मांग नहीं बलि, दान भी लूंगा तो विधिवत लूंगा, ब्राह्मण के बच्चे हूँ मैं, ब्राह्मण हूँ मैं, विधि पूर्वक दान लूंगा। बोले संकल्प करो। बलि महाराज जी के हाथ में जैसे ही बलि महाराज जी ने जल लिया, इतने में शुक्राचार्य ने आग देखी हो गई। बोले इतने संतोषी ब्राह्मण, भगवान सोचने लगे ये गुरु जी कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे। अब भगवान कह रहे अरे बलि देना है तो दो, नहीं तो त्रिसंध्या करने वाले ब्राह्मण खाली ऐसे तुम्हारे घर पे खड़ा नहीं हूँ, मैं चला अपने रास्ता। तब बलि महाराज जैसे ही संकल्प विष्णु विष्णु करके जैसे ही संकल्प मंत्र पाठ किया, तब शुक्राचार्य आके बलि महाराज जी को हाथ को पकड़ लिए। अरे बलि धोखा ही खा रहे हो? बोले क्यों क्या हुआ गुरुदेव? बोले देख सामने कौन है? बोले बामन है। अरे ना बामन है ना त्रिपन है, धन से देख कौन है? बोले प्रभु कौन है? बोले गुरुदेव कौन है? अरे जो चोरी बन के तुमको ठग के अमृत की जगह शराब पिला दिया, अभी वो गोना बन के आया है, पूरा का पूरा सब छीन लेगा, तेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अब इतने में यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कि देखो अगर भगवान के भक्ति करने के लिए हमें अगर कोई बाधक बन रहे तो उन सबको त्याग कर देना चाहिए। बलि महाराज जी ने अपने गुरु को त्याग कर दिया, बलि महाराज जी ने अपने गुरु को त्याग कर दिया।
भक्ति बैरई समा जगत परम सने। जो भगवान राम कृष्ण में जिसका कोई रुचि नहीं है उसको कोटि, अगर वो कितने भी प्यार क्यों ना करे उसको कोटि बैरई समवे समझ करके उसको याद कर दो, उसको त्याग कर दो। तो बलि महाराज जी जैसे ही वहां पे गुरु को त्याग कर देते हैं, शुक्राचार्य बोलते हैं अचरा भ्रष्ट चित्रे श्राप दे के वहां से चले गए। अब इतने में बलि महाराज जी जल नीचे छोड़े और भगवान तो अपने विराट पाय रूप में आगे बोलते विक्रम भगवान की एक पग में तो भगवान स्वर्ग लोक तक नाप लिया, बलि महाराज ब्रह्म लोक तक नाप लिया, बलि महाराज जी का जो शासन स्वर्ग लोक तक था उसके ऊपर तक नाप लिया। दूसरे पग में नीचे के सात लोग अतल बितल सुतल तलातल रसातल पातल आदि नाप लिया। अब बलि महाराज जी को गरुड़ फास में नाग फास में बांध दे और भगवान कह रहे हैं अरे बलि तू तो कह रहा था कि तेरे पास बहुत चीज है, दो पग में तो सारा संपत्ति ले लिया, अब तीसरे पग कहाँ रखूं। यहाँ पे बलि महाराज जी ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं और ठाकुर को बोलते हैं प्रभु आपका ही तो वाक्य है, आपका ही वाक्य है कि शरीर भी एक क्षेत्र है, इदम शरीरम कौन्तेयम क्षेत्रम इति अभिधीयते। अभी तक तो मैं दान करने वाला दानी में दान कर रहा था लेकिन मैं स्वयं दानी अभी तक खड़ा हूँ, इसलिए आप तीसरा पग मेरे सर पे रखो। इसी प्रकार भगवान ने वामन देव बलि महाराज जी को माथे पर तीसरा पग को रखते हैं और उनको सुतल लोक को राज्य देते हैं और बोलते हैं देख बलि अगले मन्नंतर में अगले मन्नंतर के राजा तुम ही होगे, अगले मन्नंतर के इंद्र तुम ही बनोगे। इसी प्रकार बोलो भगवान वामन देव की और भक्तेश्वर भगवान की। हरे कृष्ण भगवान वामन देव भगवान वामन देव आपको पास में भिक्षा लेने के लिए जाएंगे। भगवान को भिक्षा देने का बड़ा महत्व है, जैसे सुदामा ने द्रौपदी चिड़वा दिया तो ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया, इसलिए भगवान अभी आपको पास में जाएंगे, आप लोग थोड़ा थोड़ा भगवान वामन देव को भिक्षा देना। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे नूनी, भगत भर दे रे नूनी, भगत भर दे रे नूनी, भगत भर दे
बस अपना आने के कहना मेरा
चले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय तो अभी भगवान कृष्ण चैंपल है, अभी कृष्ण चैंपल है। बोले कथी तो वंश विस्तारो भगवता सो मसुर जयो राज्य भगवं सना चरित परमात्मा। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहते दो वंशावली का नाम आया है, एक है सूर्य वंश और एक है चंद्र वंश। बोले सूर्य वंश में भगवान श्री रामचंद्र जन्म लिए। बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय। चंद्र वंश में हमारे श्री वाक्य बिहारी जन्म लिया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यद्यपि ये चंद्र वंश और सूर्य वंश में बहुत राजा हुए थे, लेकिन उन्होंने बल्कि सबसे जो प्यारी कथा है ये भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम। ये भगवान होते हुए भी हमारी सनातन धर्म में हमारी हिंदू धर्म में ठाकुर जी जन्म ग्रहण करते हैं ठाकुर जी। इसलिए कहते तीन गंगा है, एक गंगा तो रहती है आकाश में जिसका नाम मंदाकिनी, दूसरी गंगा रहती है मध्य जगत में जिसका नाम भागीरथी, तीसरी गंगा रहती है पाताल में जिसका नाम भगवती। जैसे ये तीन गंगा तीन लोगों को पवित्र करती है, बोले भगवान की कथा भी तीन लोगों को पवित्र करती है। बोले किसको किसको? बोले सुनने वाले, बोलने वाले और प्रश्न करने वाले। बोले भगवान कथा इतना मीठा, इतना कृष्ण कथा में आनंद है, बोले गोविंद जय 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 गोविंद जय 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 गोविंद जय जय तीन लोगों को ये तीन गंगा पवित्र करती है। कृष्ण कथा में इतने रस है, जो आत्मा में जो रमण करने वाले जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी ये कृष्ण कथा उन्हें भी आकर्षण करती है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिस समय कंस ने बड़े अत्याचार की, अभी पृथ्वी में दुखी होकर के श्री ब्रह्मा जी के पास में, अरे शंकर जी को पास में, अरे इंद्र को पास में जाकर के तीन समुद्र में भगवान को स्तुति करते हैं, इतने में आकाशवाणी हुई, हे देवताओं तुम्हारी दुख कष्ट को हम समझ गए, हे जदुवंश तुम लोग जाकर के जदुवंश में जन्म ग्रहण करो। और जितने गोपियों को बोले देवियों को तुम सबके सब गोपी घर में जन्म ग्रहण करो, ये सबके सब जन्म ग्रहण किया। कंस ने अपना बहन देवकी को कंस को साथ में देवकी वसुदेव को साथ में शादी करा के उन्हें बहुत कुछ दहेज रूप में दिया। जब स्वयं रथ में बैठा करके विदाई कर रहा था, इतने में आकाशवाणी हुई, बोले रे बूढ़ा कंस, जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो, देवकी की अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल में निकाल। कंस ने देखा
ये आकाश वाणी कभी झूठी नहीं होगी, इसलिए न रहेगा कांस और न बजेगी बांसुरी। इसने उसने बयान से तलवार निकाला और देवों की कोई चोटी पकड़ करके जो मारने जा रहा था, इतने में वसुदेव ने तरह तरह से उनको समझाने के लिए कोशिश किया। बोले देखो अभी तुम्हारी बहनी की शादी हो रही है, इस समय अगर तुमने अपना बहनी को मारोगे दुनिया क्या बोलेगा, निंदा करेगा, बोले एक बहनी हत्यारा है, जगत में तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी तुम्हारी। बोले आकाशवाणी नहीं सुने, बोले हमने भी सुनी है, बताओ तुम मरोगे कि नहीं। बोले एक दिन मरूंगा। बोले तू जब मारोगे बहनी को क्यों मारोगे, बहनी को क्यों मारोगे। इतने में बोले देख तेरे को पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे जितने सारे बच्चे एक एक करके तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, तुमको एक एक करके सब कुछ तुमको मैं दे दूंगा, सब कुछ तुमको मैं दे दूंगा। इतने में कंस ने छोड़ दिया, लेकिन उसका जो सबसे पहला बेटा हुआ उसने अपना बेटे को मैंने कंस को हवाला कर दिया। कंस का हृदय तो द्रवीभूत हो गया, अपना बेटे को मृत्यु को हाथ में, बोले तू ये बच्चे को ले जा, मेरे अष्टम गर्भ का संतान से मतलब है। नारद जी ने देखा गड़बड़ी हो गई, बोले क्यों, अगर कंस के हृदय में दया की भाव आए तो ठाकुर आने में देर करेंगे। इतने में नारद जी बिना बजाते बजाते आ गए, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय एकांत में कंस को बुलाए। बोले देख कंस अभी अभी मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ, देखा पितामह ब्रह्मा जी सारे देवता को लेकर मीटिंग कर रहे थे, विषय है तेरे को कैसे मारे, सावधान ये जितने जदुवंशी कोई नहीं, ये देवता लोग सब जदुवंश में जन्म हुई है, ये जितने गोपी और कोई नहीं, स्वर्ग से ये देवियाँ आई, सबके सब ये प्लानिंग करके आए तेरे को मारने के लिए, और उन्होंने एक कमल फूल लाया था जिसमें 8 पंखुड़ियाँ। बोले बताओ तो 8 पंखुड़ियों में पहला कौन और 8वां कौन। बोले तीनों। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले उल्टा से गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले समझ गया। बोले गुरु के बगैर थोड़ी ज्ञान होता है। बोले देख सावधान ये देवता को वाणी समझना बड़ा कठिन, देवता का वाणी समझना बड़ा कठिन है, तुम तो इधर से गिन रहे हो, अगर वो उल्टा से गिने तो क्या होगा, जिसको पहला करता वो 8वां हो जाएगा। जब ये 8 भाई जन्म लेके बड़े होएंगे कि नहीं। बोले होएंगे। बोले ये सब के सब मिलकर तेरे को मारेंगे। बोले गुरुदेव फिर क्या करूँ, सब तो मैं मार डालू। बोले मैं क्या क्यों बोलूंगा, तू जानता तेरा बाप जानता है। भड़का दिया। अरे भड़का करके नारद जी भाग गए। कंस तो उनको 6-6 बच्चों को मार डाला। प्रश्न होता है भैया नारद जी इतने बड़े संत हैं, ये बच्चों को क्यों मरवाए। बोले मरवाया नहीं, इनकी पूर्व जन्म की कथा इनको बता। ये ब्रह्मा की मानस पुत्र थे, जब इन्होंने एक समय ब्रह्मा बड़ी एक सुंदरी लड़की को जन्म दिया, वो लड़की इतने सुंदरी थी ब्रह्मा स्वयं अपना बेटी नहीं आ सकता हो गया, उसको पीछे भगे। इतने में उनका बेटी हिरण बन करके भागी, ये भी हिरण बन गए। इन्होंने बोले देखो बूढ़े को अपना बेटी को पीछे भाग रहा है। उन्होंने 80 उड़ाया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, बोले मेरे को देख रहे 80 उड़ाए, तुम लोग अपना पिताजी को हाथ में 3 जन्म तुमको मरोगे मुक्ति मिलेगी, 2 जन्म तक मर चुके हैं, वही काल में भी अभी कंस बन करके आया, जितने जल्दी मरेगा उतना जल्दी मुक्ति होगी, इसलिए उन्होंने 6 बच्चे को मरवाया। अब सप्तम गर्भ में रोहिणी की बेटा बन करके श्री बलदेव प्रभु आते हैं। बोले श्री ताऊ भैया की, पहले ये देवकी गर्भ में आए, योग माया इनको आकर्षण करके रोहिणी गर्भ में स्थापन किया है। अभी अष्टम गर्भ में भगवान श्री कृष्णचंद्र आ रहे हैं। जब भगवान कृष्णचंद्र
भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन बोले जन्म कर्म जमे दिव्या एवं यह व्यक्ति तत्व का त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम् नहि पितामहेति स्वर्ग। बोले हे अर्जुन मेरा जन्म धर्म ये अपराध तो अवलोकित है, अगर इसको तत्व का तो कोई अगर जान ले शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। हमारी जन्म कैसे हुआ? पिता माता के मिलने से। लेकिन हमारी शरीर जड़ शरीर है, खिंडी जला पाप भगवान समीरा पंचे रचित ये अधम शरीर है बच्चा, इसलिए ये अधम शरीर है। लेकिन भगवान के शरीर कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूप आय। भगवान के शरीर हमारे जैसे शरीर नहीं, सात चीत और आनंद से हमारा शरीर बना हुआ, इसलिए भगवान का जन्म कर्म अपराध का अवलोकन है। सर्वप्रथम भगवान वसुदेव के हृदय में आए, वसुदेव महाराज देवकी को बड़ी सुंदर सुंदर कृष्ण कथा सुनाई। भगवान सप्त ब्रह्म रूप में श्री देवकी के गर्भ में आए, जब कंस देखने के लिए आया शरीर से क्या प्रकाश क्या ज्योति, पूरा घर एकदम उजला उजला हो रहा था। कंस समझ गया मेरे काल आ रहा है, सोच रहा था मार डालू, लेकिन उसका हिम्मत नहीं हुआ। इतने में सारे देवता लोग आकर के भगवान को स्तुति करते हैं, बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजोनि नीतम च सत्य 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 प्रत सत्य नित्रि सत्यात्मकत्वं शरणं प्रपद्ये। बोले हे प्रभु आप सनातन हो, पहले भी थे अभी भी और बाद में भी आप रहोगे, इसलिए अपने बताया था आने के लिए सचमुच से आपने आ रहे हो। आपका प्रतिज्ञा भी सत्य है, आपका धाम भी सत्य है और आपका भक्त भी सत्य, आप त्रिकाल सत्य हो, इसलिए भगवान को बड़े सुंदर स्तुति कर रहे थे। बोले प्रभु जो व्यक्ति आपके चरण को आश्रय ग्रहण करता है, ये भव सागर को जैसे गैया की खूर में जितने पानी होता है जैसे आसानी से हम पार हो जाते हैं, वो संसार को पार कर लेते हैं। लेकिन जो तुम्हारी भक्ति को छोड़ करके ज्ञान को आश्रय ग्रहण करता है, भले वो कठोर तपस्या करके बड़े उच्च पद को प्राप्त करने पर भी वहाँ से गिरते हैं, क्यों? वो तुम्हारी चरणस को अनादर किया है। बड़े सुंदर स्तुति कर रहे थे सारे देवता लोग आकर के। ठीक भगवान अभी ठाकुर जी जन्म लेने वाले हैं, देखो अगर यहाँ पर अगर प्राइम मिनिस्टर आएगा उसके लिए कितने स्वागत होता है, क्या क्या होता रहता है। लेकिन अभी विश्व ब्रह्मांड का मालिक आ रहे हैं। प्रभु जी दो मिनट खड़े हो जाते अभी साक्षात भगवान श्री कृष्ण आने वाले विश्व ब्रह्मांड का, ये पालन हार आने वाले विश्व ब्रह्मांड का, आप बताओ उनके लिए कितने स्वागत नहीं होगा, कितने स्वागत नहीं होगा। इसलिए जो वृंदावन धाम एकदम दुल्हन जैसे वृंदावन धाम सज गई और यमुना कलकल कलकल नाद से प्रवाहित हो रही है और भगवान कृष्ण को जयकार दे रही थी, बोले श्री भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले यमुना क्यों खुश हो रही थी? बोले भगवान ये यमुना नदी में विहार करके और अपना पटरानी बनाएंगे, ये वृंदावन धाम बड़ी प्रसन्न हो रही थी, सब गज गई, क्यों? ठाकुर जी बड़ी ये वृंदावन धाम में नंगे प्यार में ठाकुर जी लीला विलास करेंगे, वो सत्य भामा ये स्वयं पृथ्वी स्वरूपिणी, बोले मेरे को ये पटरानी बनाई, इसलिए प्रसन्न हो रही थी। फिर चंद्रमा भगवान भूतवार अष्टमी तिथि में ठाकुर जी आए, उसी दिन चंद्रमा होती है आधी, लेकिन उसी दिन चंद्रमा पूर्ण चंद्र रूप में प्रकट हो गए। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी आज मेरे वंश में ठाकुर जी जन्म ग्रहण कर रहे हैं। कमल फूल खिलता है दिन में, लेकिन आज ये कमल फूल आज रात में खिली गई। बोले क्यों खिली गई? बोले संत लोग जब भगवान को उदाहरण देंगे, बोले नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिनी, ये सब के सब कमल फूल को साथ उदाहरण देते, इसलिए ये कमल फूल खिल गया और विश्व ब्रह्मांड में श्री शंकर जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे। जब आकाश में जो काला मेघ छा जाए चार व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, बोले कौन कौन? बोले किसान,
पर क्यों किसान खुश होता है? किसान खेती करता है, अगर बारिश नहीं होगा तो सब खत्म हो जाएगी। बोले ये किसान कौन है? बोले पितामह ब्रह्मा जी। पितामह ब्रह्मा जी जगत को सृष्टि की, इतने बड़े बड़े दरख्त आकर के उत्पात मचा रहे थे। भगवान कहते ना, परित्राण आय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम। मैं युग युग में अवतीर्ण होकर क्या करता हूँ? संतों को रक्षा करता हूँ, दुष्टों को मैं विनाश करता हूँ। इसलिए पितामह ब्रह्मा खुश हो रहे थे। दूसरा व्यक्ति कौन खुश होता है? बोले मोर। आप देखना है मोर को आप नृत्य करता है, आकाश में जो काला मेघ छा जाए, गड़गड़ शब्द हो, रिमझिम बारिश होती है ना, उसी समय में मयूर धीरक धीरक करके नाचता है। बोले ये मयूर कौन है? बोले नीलकंठ स्वयं श्री महादेव जी। अभी कल हम सुनेंगे भगवान जन्म लेने पर शंकर भी ठाकुर को दर्शन करने आते हैं। तीसरा व्यक्ति प्रसन्न होता है कौन? बोले ताबागल में दंत हाथी। जब जंगल में आग लग जाए हाथी को बड़ा कष्ट होता है, लेकिन ये आग बुझेगी कैसे? जब आकाश में मेघ छा जाए, बड़ी तेजी से बारिश हो, तभी जंगल का आग बुझेगी। बोले ये लोग कौन है? बोले इंद्र चंद्र देवता आदि। जब देखा भगवान कृष्ण आने वाले, तभी बड़े प्रसन्न हो रहे थे। बोले चौथा व्यक्ति प्रसन्न होता है चातक। ये एक चिड़िया है, किसी नदी और पानी नहीं पीता, वो स्वाधी नक्षत्र का पानी पीता है। बोले ये कौन है? बोले जितने साधु संत, सारा दुनिया जय जयकार कर रहा था, ठीक रात को 12 बजे ठाकुर जी कंस के कारागार में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हो गए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला की। इतने में देवकी वसुदेव बोले प्रभु आपको तो पुत्र रूप में प्रार्थना किया था, आप तो 16 साल के कुंडली वस्त्र और बड़े सुंदर चतुर्भुज लेकर प्रकट हुए। बोले देखो पूर्व जन्म में तुम वृष्णि और सुत बांधे, कठोर तपस्या की 10,000 साल तक पत्ते खा खा करके मैं बोला क्या बर चाहिए? बोले प्रभु आप मेरे बेटे बन कर के आओ, अभी मैं बच्चा बन जाऊंगा, मेरे को तुम गोकुल में रख करके वहां से बेटी को ले आना। बोले हथकड़ी बेटी पड़ी हुई, बोले कोई चिंता मत करो, केवल मेरे को अपना सर पर रखो, सारे बंधन तुम्हारी खत्म हो जाएगी। मतलब क्या है? देखो ठाकुर जी बहुत अच्छी शिक्षा दी। बोले अगर कोई भी काम करो, हम कहते हैं ना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। अगर हम कोई भी काम करें ठाकुर को आगे रख कर करना, बस सारे काम हमारी अपने आप हो जाएगी। जब हमने ठाकुर को सर पर लिए, अपने आप दरवाजा खुल गया, हथकड़ी बड़ी अपने आप खुल गई, पहरा दर अपने आप सो गए, रिमझिम बारिश हो रही थी, साक्षात बलदेव प्रभु क्षत्रिय रूप में रक्षा कर रहे थे। जब यमुना नदी को पास में आए, लपालो पानी भरा हुआ, यमुना में सोच रही है कब से कब मैं भी तो ठाकुर का चरण स्पर्श करूं। इतने में ठाकुर जी नीचे चरण बढ़ाए, यमुना पटरानी ठाकुर जी को चरण स्पर्श की। इतने में जो माया सियार बन करके जा रही थी, बोले कितनी पानी बस उन्होंने पार हो गए। इसलिए अभी भगवान कृष्ण अभी आएंगे, आज तक कन्हैया जन्म लिया, कल से राधा रानी जन्म ले। इसलिए आज कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आए हो? कल सबके सब गुलाबी रंग के साड़ी पहनना, क्योंकि जो गुलाबी रंग है ना ये प्रेम का रंग है, ये प्रेम का रंग, राधा रानी का चुंदन का रंग है गुलाब रंग। ठीक है, कल से राधा रानी जन्म लेगी, बड़े सज करके आना, कल धूमधाम से श्री राधा रानी के जन्म उत्सव मनाएंगे। आज हमें बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले जय जय श्री राधे। आज भर भी सीर जिना
Yes, sir.